से पिया है प्रेम पियाना जब से पिया है प्रेम पियाना जब से पिया है प्रेम पियाना जब से पिया है जी का है ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हतारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हतारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हतारती श्री भागवत भगवान की है आरती हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से हतारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हतारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को श्री भागवत भगवान
घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती आत्मियों को पारती श्री भागवत भगवान की है आरती आत्मियों को श्री भागवत भगवान की है आरती हाथियों को पा से हतारती हाथियों को पाप हाथियों को पाप से है तारती हरि ओम माजलिन शीतले कर्णम पुष्पै देवाभिवंदनम स्वात्माभिवंदनम आरोग्यार्थे आरारतिक ग्रहणमस्तो वृक्षाल मंद्र पुष्पांजलिम हरि ओम जजने नजज्ञमे जन्त देवास्तानि धर्वाणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिप्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की संत वैष्णव भगवान की बागेश्वर बालाजी महाराज की पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे हर हर महादेव नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचारु सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्या अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीश मक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु संत मानुष ना जानिए यह सब है नंद किशोर सिया बलराम चंद्र की श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की श्रीमद् भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की संत समाज की भूदेव ब्राह्मणों की भारत हिंदू राष्ट्र की
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज भगवान श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की करुणामयी कृपा से 7 दिनों तक पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत कथा का महामहोत्सव प्रारंभ हो रहा है। और अद्भुत बात यह है कि इस श्रीमद् भागवत कथा के वाचन के लिए जिनके गुरुदेव की छवि आपकी वाणी से कई बार झलकती है, करुणावतार प्रेमावतार परम पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान की जिनके ऊपर असीम अनुकंपा है, गुरु परंपरा के आचार्य ऐसे परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास मूर्धन्य विद्वान श्रीमद् भागवत के श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज विराजमान हैं। नाक रगड़ कर पूज्य महाराज जी के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। सभी संत भगवान विराजमान हैं, पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं, हमारे गुरु प्रसाद जी भी विराजमान हैं। अब हम तो आज कुछ ना कहेंगे, महाराज जी इस कथा के श्रोता श्री बागेश्वर हनुमान जी हैं और उनकी ऐसी अनुकंपा कृपा हुई, मानो हमें तो ऐसा लग रहा कि श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी ने ललकार कर कहा हो कि हमको जो है पूज्य महाराज जी पाराशर जी के मुख से कथा सुननी है। और अद्भुत बात यह है कि जिस हॉल में महाराज जी कथा हो रही, ये टीन सेट का उद्घाटन भी आपकी कथा से हो रहा, और अनवरत रूप से यह चलता रहे, यही इस कथा का माध्यम है। और उद्देश्य यही है कि कन्या विवाह निर्विघ्न हो जाए, हिंदू राष्ट्र भारत हो जावे, बस यही चरणों में प्रार्थना करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का यह आयोजन हो रहा। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आज विलंब बहुत हो गया, पूज्य महाराज जी को रास्ते भर लोग मिले, जो खड़े हैं वो विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ, अपने अपने सिंहासन प्राप्त कर लो। और हम जो है पूज्य महाराज जी के चरणों में पुनः नाक रगड़ कर प्रणाम करते हैं ताकि विलंब ना हो। फिर आप सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं बड़े भाग्यशाली हो, महाराज जी की वाणी आप सबने खूब श्रवण की होगी और आज आप लाइव श्रवण करेंगे, निश्चित रूप से आप पहचान जाएंगे महाराज जी को। सीताराम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै, नमोस्तु रुद्रेन्द्राय मानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्भणेभ्यः। मनोजवं मारुततुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशकं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्। बागेश्वर धाम के इस पावन पुनीत प्रांगण पर श्रीमद् भागवत जी के व्यासपीठ पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त श्रीमद् भागवत जी के मूर्धन्य विद्वान पूज्यपाद डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी के चरणों में कोटि सा वंदन। इस धाम को इस स्तर पर ले जाने वाले, जिनके ऊपर साक्षात श्री हनुमान जी सदा सर्वदा कृपा करते हैं, ऐसे अनंत श्री विभूषित आचार्य श्री धीरेन्द्र जी महाराज, मंचस्थ पूज्य महाराज संत वृंद आचार्य वृंद, उपस्थित सज्जनों, आप सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आप सब लोग पूज्य बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, अपने पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से
आप जिनके मुखारविंद से कथा श्रवण करने के लिए यहाँ समुपस्थित हैं, आप सब लोगों का परम सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत जी की कथा आप जैसे विद्वानों के मुखारविंद से, आचार्य जी के मुखारविंद से श्रवण करने मात्र से ही समस्त रोग बाधाएं समाप्त हो जाती। यहाँ तो साक्षात अभी महाराज श्री ने बताया कि श्री हनुमान जी महाराज को कथा सुनानी है। श्री हनुमान जी महाराज तो सदा सर्वदा राम कथा सुनिबे को रसिया, राम कथा सुनते ही हैं। और सबको पता है कि जब प्रभु राम जाने लगे तो श्री हनुमान जी से कहा, हनुमंत चलो मेरे साथ। तो श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु जहाँ मुझे आप ले चल रहे हैं वहाँ आपकी कथा मिलेगी। भगवान ने कहा नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, जहाँ जहाँ आपकी कथा हो, कीर्तन हो, वहाँ मैं कथा श्रवण करूँ, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। तो सदा सर्वदा श्री हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं और आप सब लोगों का परम सौभाग्य है, आप इस श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। मैं तो पूज्य चरण के चरणों में ललिताम्बा पीठ रामपुरवा धाम की ओर से आपको एक निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर समुपस्थित हुआ हूँ। 29 फरवरी से और 8 मार्च तक सतमुख कोटी श्री लक्ष्मी महायज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन और 4 वेद 18 पुराण के साथ में जो विराट अष्टोत्तर यज्ञ, जिसमें कथा का वाचन पूज्यपाद हमारे बारासर जी ही वहाँ कथा करेंगे। आप सब लोगों को भी इस पावन धाम में मैं आमंत्रण देते हुए सबसे प्रार्थना करता हूँ, जिनको समय हो वो पधारें और महाराज श्री को कोटिशा वंदन करते हुए कथा के बीच में ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वाणी को विश्राम करता हूँ। पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अपने वाणी को 2 शब्दों में इस पावन धाम पर, जिस पावन धाम को आपने अद्भुत बना दिया और प्रभु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, मैं अपने वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। जय जय श्री, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। वत्सल भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री बागेश्वर धाम की जय। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। समस्त संत वैष्णव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर। शरण्यं
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदं वंशी पीतांबरादरुण बिंबफलाधरोस्था पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात्परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमदरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकं भक्त भक्ति भगवंत गुरुं चतुर्नाम बपू इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अने बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए सब मिलकर के अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजें और मन वाणी को पावन करने के लिए एक स्वर में आनंद पूर्वक गोविंद के नाम का संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेव जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री बागेश्वर धाम की जय श्री सन्यासी बाबा महाराज की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
परम मंगलमय। आपकी जय जयकार आपके उत्साह को बता रही है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए हनुमंत लाल जी अनंत रूपों में विराजमान होकर के अपना उत्साह प्रकट कर रहे हैं। आपके माध्यम से हनुमंत लाल जी कथा सुनने के लिए अपना हर्ष प्रकट कर रहे हैं। उनका उत्साह आप रूपों आप लोगों के माध्यम से दृष्टिगोचर हो रहा है। मंच पर विराजमान श्री बालाजी महाराज के तथा सन्यासी बाबा के साक्षात कृपा विग्रह हमारे परम आत्मीय परम श्रद्धे श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, श्री बालाजी महाराज की कृपा जिनके माध्यम से आप सबके ऊपर अनवरत बरस रही है, अहरनिश बरस रही है। तथा मंच पर पूज्य महाराज श्री एवं बागेश्वर धाम के सभी पागलों सीताराम जय सियाराम जय सियाराम। हमारे श्री इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान श्री बालाजी महाराज, महाराज श्री ने कहा कि हम बालाजी महाराज को कथा सुनवाना चाहते हैं और शुभारंभ आपके द्वारा ही हो, तो हमने कहा इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या होगा। संसार में ऐसा कौन वक्ता है जो हनुमंत लाल जी को नूतन कोई कथा सुना सके, पर हनुमंत लाल जी की विशेषता है आज भी जहां कहीं भी भगवान की कथा हो सबसे पहले श्रोता बन के हनुमंत लाल जी उपस्थित होते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, रसिया का मतलब रस का जानकार, रस में जिसकी गति हो, रस का जो मर्मज्ञ हो उसको रसिया कहते हैं। तो भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए इससे ये श्रोता को हनुमान जी से सीखना चाहिए। कोई वक्ता कथा कह रहा हो और वो कथा हमको आती हो हमने सुन रखी हो तो हम एकदम मुंह बिगाड़ लेते हैं, अरे ये तो सुनी सुनाई है कुछ और सुनाओ है? पर हनुमंत लाल जी हजारों साल से कथा सुन रहे हैं, राम जी की कथा तो वही है, परंतु आज भी इस घोर कलयुग में किसी भी के वाणी से भी कथा हो रही हो सबसे पहले दौड़ के हनुमान जी आसन लगाते हैं, उनको कोई नया नई कथा कोई क्या सुनाएगा। परंतु ये है रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, रसिया का मतलब है जिसको रस का रंग चढ़ गया हो, जिसको रंग चढ़ गया हो, जिसको रस लग गया हो। कोई भी व्यसन जल्दी नहीं लगता, एक दो बार में भी नहीं लगता। जिसने कभी तमाकू ना खाई हो उसको गलती से कोई एक पहली बार खिला दे तो चक्कर खा के गिर जाएगा, परंतु दो दो तिनका खिला खिला करके, दो दो दाने खिला खिला करके एक दिन वो हालत हो जाती है कि पूरी पुड़िया एक बार में ही जैसी आराम कर जाता है, और न मिले तो उसका मूड नहीं बनता, मूड खराब हो जाता है कि महाराज व्यवस्था करो उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो कड़वी चीज जिसको खाने से चक्कर आ जाए वो भी धीरे धीरे कई बार खाने पर व्यक्ति उसका दीवाना हो जाता है, और जो दीवाना बन गया फिर आप चुड़ी उसकी पुड़िया पर चाहे तुम बिच्छू छाप दो, चाहे चेतावनी लिख दो, चाहे कितने खतरनाक चेहरे बना दो, वो तो खाए बिना मानने वाला है नहीं, वो तो दीवाना हो गया उसका। और यदि आप उसे समझाने की कोशिश करो देखो कितनी खतरनाक चीज है, मर जाओगे,
तो वो उल्टा तुम्ही को उपदेश देने लगा, अरे आया है सो जाएगा राजा रंग भगीर, सबको एक न एक दिन जाना है, अमर कौन है, उल्टा प्रवचन सुनाता है। इसको कहते हैं दीवानगी, इसको कहते हैं चस्का, वो रसिया बन गया। तो जब कड़वे दुर्व्यसनों का व्यक्ति इतना रसिया बन जाता है तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जिनकी कथा मधुर है, जिनका रूप मधुर है, हैं, जिनकी लीला चरित्र कथाएं मधुर हैं, उस मधुराधिपति माधव की कथा सुन करके उनका कोई रसिया बन जाए तो कौन आश्चर्य की बात है। और रसिया कैसे होते हैं, दीवाने कैसे होते हैं, ये तो कोई बागेश्वर धाम आकर के देख ले। हम तो अभी देखे, हम तो दो चार, मैं तो चौथी बार आया हूं, अभी हम देख रहे थे जब गाड़ी में बैठे तो महाराज जी निकले तो फिर हमारा ही घुसना मुश्किल पड़ गया गाड़ी में, जैसे तैसे धक्का मुक्की करके घुस भी गए तो हम सोच रहे थे गाड़ी चलेगी कैसे। चारों तरफ से ऐसा जन समुदाय घिरा हुआ और हमको तो ये लग रहा था गाड़ी सुरक्षित भी पहुंच पाएगी कि नहीं, और सब धक्का मार रहे थे महाराज जी इधर 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 इधर। तो ये किसी को डर नहीं कि गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ ना जाए, पहिया ना चढ़ जाए, कोई चिंता नहीं महाराज। तो ये है दीवानगी। तो भैया, तो जैसे आप सब हमारे बागेश्वर धाम के दीवाने हैं, ऐसे हमारे बागेश्वर धाम वाले बालाजी महाराज राम जी की कथा के दीवाने हैं। जहां कहीं भी कथा हो, कोई भी वक्ता कह रहा हो, सबसे पहले दौड़ करके सुनने के लिए आते हैं। इसलिए प्रत्येक वक्ता को व्यासपीठ से ये ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी सुन रहे हैं, इसलिए कोई अमर्यादित बात ना कहे, कोई अशास्त्रीय बात ना कहे, नहीं तो हनुमान जी जिस जोश में आते हैं कथा सुनने के लिए और कोई अपशब्द या अनर्गल बात कर देता है, अशास्त्रीय बात कर देता है और कहीं उनके हृदय में उस बात से चोट लग गई तो हनुमान जी का कहीं मूड खराब हो गया तो सोचिए क्या हाल होगा। इसलिए वक्ता को व्यासपीठ पर बहुत सावधानी से बैठना चाहिए और बहुत सावधानी से शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। बोलो जय सियाराम। तो प्रतिदिन तो कथा 2 बजे से होगी, 2 से 6 बजे तक, परंतु आज जो 6 बजे कथा संपन्न होनी थी आज प्रारंभ हो रही है। परंतु हमें मालूम था कि यहां तो रात में भी कथा हो तो भीड़ ऐसी ही मिलेगी, क्योंकि अभी हमने जब ट्रेन में आ रहे थे तो एक पोस्ट देखा कि महाराज जी प्रातः 4 बजे मंच का निरीक्षण कर रहे थे। तो हमने देखा 4 बजे मंच का जब निरीक्षण महाराज जी कर रहे थे तब भी भीड़ उतनी ही दिखाई पड़ रही थी, तो हमको लगा कि रात भर शायद भीड़ यहीं रहती है, महाराज जी जब जहां चले जाएं, और यहीं की बात नहीं है कहीं भी चले जाएं भीड़ तो महाराज ऐसी ही रहती है। और बड़े बड़े महानगरों में ही नहीं, विदेशों में भी महाराज यही हालत हो गई, जो कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि विदेशों में भी ऐसे दीवाने मिल सकते हैं क्या। हनुमान जी की कृपा देखिए कि देश विदेशों में कहीं भी चले जाएं भीड़ की हालत यही है। न जाने हनुमंत लाल जी कितने अनंत रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अद्भुत है हनुमान जी का प्रभाव, हनुमान जी की कथा श्रवण की अभिरुचि। अब आइए हम लोग भगवान की कथा के माध्यम से प्रवेश करें। हमारे मुख्य श्रोता तो हनुमंत लाल जी हैं, इसलिए हम उन्हीं को दृष्टि में रखते हुए कथा कहेंगे, आप भी उसका आनंद लीजिए। और हम तो यही अनुभव कर रहे हैं कि हनुमंत लाल जी ही इतने अनंत रूपों में और साक्षात श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के रूप में कथा सुनने के लिए विराजमान हुए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जो भगवान सच्चिदानंद हैं, जिनके द्वारा समस्त विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार किया जाता है, जिनका चरणाश्रय ग्रहण करते ही जीव के समस्त तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। मुख्य श्रोता हैं सौनक जी। कथामृत रसास स्वाद कुशल, भगवान की कथा सुनने में बड़े कुशल है। सूत जी को प्रणाम करके बोले, महाराज घोर कलयुग आ गया है, कठिन साधन कोई कर नहीं सकता, अतः भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके हमें बताइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। किसी को चिंतामणि मिल जाए, आपने चिंतामणि के बारे में सुना होगा, उस मणि को सामने रख करके संसार की जो वस्तु का चिंतन करोगे वही वस्तु आपके सामने आ जाएगी। और एक है कल्प वृक्ष स्वर्ग का, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके संसार की नहीं स्वर्ग की भी वस्तु आप स्मरण करोगे तो स्वर्ग की संपत्ति भी ला करके आपके सामने रख देगा। पर इन दोनों से आप ये चाहो कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार करा दो, हमें ब्रह्म ज्ञान करा दो, हमें ठाकुर जी का प्रिया प्रीतम का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो, तो ये सामर्थ्य न कल्प वृक्ष में है न चिंतामणि में है। ये सामर्थ्य तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा में है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की कृपा हो जाए तो योगियों के लिए भी दुर्लभ जो वैकुंठ धाम है वो आपको सहज सुलभ हो सकता है, और वो गुरु कृपा, वो सन्यासी बाबा की कृपा आप प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इतनी स्वल्प अवस्था में हमने, हमें कथा कहते 40 वर्ष हो गए और 1200 से ज्यादा भागवत कह चुके हैं और सबसे ज्यादा साधु संत महापुरुषों को ही सुनाई है, परंतु हनुमान जी ने बागेश्वर धाम में आपके माध्यम से जितनी ऊंची छलांग एक बार में लगाई ऐसी छलांग लगाते हमने किसी को नहीं देखा। इतनी बाल समय रवि भक्ष लियो, इतनी छोटी अवस्था में इतनी ऊंची छलांग और इतने अल्प काल में आपने सब, ये हम कोई मुंह देखी बात नहीं कह रहे, सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, हम तो 40 साल के कथा क्षेत्र के अनुभव की बात बता रहे हैं। तो हम तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं, ये जो दिव्य धाम दिव्यता को भव्यता को प्राप्त हो रहा है और जो कृपा हमारे बालाजी महाराज की आचार्य जी के माध्यम से प्रकट रूप से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है, ये कृपा सदा इसी प्रकार से बरसती रहे और सदा इसी प्रकार से वो कृपा सुरक्षित रहे, ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की कृपा अनुकूलता प्राप्त हो जाए तो संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप गुरु कृपा के प्रत्यक्ष विग्रह हैं, जो कृपा आपको मिली है वो आपके माध्यम से हम सबको भी प्राप्त हो जाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो सौनकादि ऋषियों की ये विनम्र वाणी सुनकर के सूत जी बड़े खुश हो गए, बोले महात्माओ तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा को देखते हुए आज मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाई देता हूं, सावधानतया श्रवण। उसको बहुत सावधानी से सुनिएगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इसका नाम है संसार। संसार का मतलब है संसरतीति, संसार है जो धीरे धीरे सरकता जा रहा है। पहले हम बच्चे थे पर बचपना सरक गया, जवान हो गए, फिर धीरे धीरे जवानी सरक गई, फिर बुढ़ापा आ गया और एक दिन आया कि हम ही सरक गए। तो संसार में ऐसे सब सरकते जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं, पुराने सरकते जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है संसार। और इस संसार में सबको मौत का डर लगता है,
कालव्याल मुखग्रास। संसार का प्रत्येक प्राणी काल रूपी महासर्प के मुख में ग्रास बना बैठा है। देखो एक बात बताएं, हम और आप सब जानते हैं कि एक ना एक दिन मरना है, पर यह भगवान की कृपा है कि किसी को तारीख का पता नहीं है कि कब मरना है, इसलिए सब मस्त रहते हैं। और परीक्षित की तरह पता चल जाए कि आप सातवें दिन मरने वाले हैं, फिर देखो आपकी हालत, हो सकता है सातवां दिन देखने को ही ना मिले, डर के मारे पहले ही हार्ट अटैक हो जाए। ये मौत का डर बड़ा खतरनाक होता है महाराज। परीक्षित को पता लग गया कि हम सातवें दिन मरने वाले हैं, सब राजपाट छोड़ झाड़ के गंगा के किनारे बैठ गए। पर देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव जी भागवत सुना करके परीक्षित का मृत्यु भय मिटाने वाले हैं, तो सुधा कुंभम ग्रहित्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता स्वर्ग के अमृत का कलश लेकर के आ गए और बोले महाराज परीक्षित को पूरा अमृत पिला दो, पर बदले में ये हरि कथा अमृत हमको पिला दो। प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद भागवतामृतम। सुखदेव जी ने कहा देवताओं तुम बड़े ठगिया हो, कांच का टुकड़ा हमें दे रहे हो, करोड़ों की मणि बदले में हमसे ले रहे हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचारियैव तदा देवांजहास। सुखदेव जी ने देवताओं का बड़ा उपहास उड़ाया और वहां से तुरंत भगा दिया। भगाया क्यों? क्योंकि मन में विचार किया ये देवताओं को देवत्व का बड़ा अभिमान है। अच्छा कोई परीक्षित के साथ कोई दूसरा बैठ के नहीं सुन सकता, ऐसा कोई प्रतिबंध तो नहीं था? देवता जब कथा ही सुनना चाहते थे तो परीक्षित के साथ वो भी चुपचाप बैठ जाते, उनको भी कथा सुनने को मिल जाती। पर देवताओं के मन में देवत्व का अभिमान है, हम स्वर्ग के वासी, ये मृत्युलोक के वासी, हम दिव्य देवता और ये मरण धर्मा मनुष्य, हम VIP हैं, इन सर्व साधारण के साथ बैठ के हमको कथा सुनना पसंद नहीं, इसलिए हम कथावाचक कोई खरीद करके ले चलते हैं, VIP ढंग से स्वयं सुनेंगे। तो ये कितना बड़ा ऑफर दिया। अच्छा एक बात सोचने की है, या तो तुरंत कहीं गांव देहात में कथा हो रही हो और उसी समय कैबिनेट मंत्रियों का कोई यूथ आकर के आप कोई वक्ता से कहे महाराज हम संसद भवन में आपकी कथा सुनना चाहते हैं, राम जन्मभूमि पर राम जी के प्राण प्रतिष्ठा अवसर पर पूरा कैबिनेट मंत्री वहां आएंगे और राष्ट्रपति सहित सब मंत्रिमंडल के लोग आपकी कथा सुनेंगे, आप राम जी के शुभारंभ माने प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में सुना दीजिए, तो संसार का कौन वक्ता है जो उस कथा को छोड़ के उधर ना भागे। अरे इतना बढ़िया मौका मिला राम जी की प्राण प्रतिष्ठा और इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग श्रोता के रूप में मिले, तो सुखदेव जी के लिए तो बहुत बड़ा ऑफर था। परीक्षित के छोड़ करके जा सकते थे स्वर्ग में देवताओं को कथा सुनने के लिए, सारे देवता सुनने के लिए लाल आए थे, पर सुखदेव जी ने ठुकरा दिया ऑफर।
यही परम धन है पायो जी माने राम रतन धन पायो, राम नाम के हीरे मोती, यही तो सबसे बड़ी संपत्ति भक्तों की। सनकादिक बोले नारद जी महाराज तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई जो ऐसे मुंह लटका के घूम रहे हो। नारद जी बोले भैया आप ध्यान से सुनो, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं भी आपकी तरह कथा का प्रेमी था और भारत भूमि में कथा सुनने की भावना से सत्संग करने के लिए गया। सारे तीर्थों में घूमा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, पर किसी भी तीर्थ में मुझे शांति नहीं मिली, सत्संग का आनंद नहीं मिला। संतों में भी खोजा पर वहां भी पाखंड बहुत बढ़ता देखा। गृहस्थों को भी देखा, वो भी माँ बाप की सेवा करना छोड़ गए। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक है, इस समय बुद्धिदाता साले साहब हो गए हैं। साले साहब की सलाह से ही समस्त कार्य होते हैं। ससुरार प्यार भई जबते रिप रूप कुटुंब भये तबते, तो मैया बाप की कोई नहीं सुनता। तो न गृहस्थों के यहां शांति, न विरक्तों के यहां, पूरे देश में क्रांति ही क्रांति नजर आई। लगा कि जैसे कुएं में भांग है। हमने सोचा आए थे शांति के लिए, पर देख देख के चित्त में क्रांति मच गई, अब किधर जाएं। अंत में निर्णय लिया चलो वृंदावन में राधे राधे करेंगे। तो वृंदावन में मैं चला गया। वृंदावन में जाके क्या देखा कि जमुना के तट पर एक युवती सिर पकड़ के रो रही। मैंने उससे जाके पूछा काशित्वम, देवी जी आप कौन है, रो क्यों रही हो, कष्ट क्या है। तब उसने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े मेरे ही बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी आंखें फाड़ के देखने लगे, हे भगवान ये जीवन में पहला आश्चर्य देखा कि 20 वर्ष की माता जी है और 90 साल के बेटा, तुम्हारे बच्चे बुढ़े क्यों हो गए। बोले महाराज इसीलिए तो रो रही हूं, दक्षिण में पैदा भई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंच करके बहुत पीड़ित हुई। अंत में मैं वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आती मैं तो नई नवेली युवती बन गई और बच्चे दोनों बुढ़े हो गए। मेरे बच्चे यदि इसी प्रकार बेहोश पड़े रहेंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस भूमि को भी छोड़ के मैं तो विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी तुरंत हाथ जोड़ के बोले माता जी ऐसा गजब मत कर देना, क्योंकि भारत की भक्ति आजकल विदेश की तरफ ही ज्यादा भाग रही है। जब तक किसी को विदेशी मोहर ना लग जाए तब तक भारत के लोग उसको महत्वहीन मानते हैं। बोलो राधे राधे। चाहे वक्ता हो, चाहे महात्मा हो, चाहे कोई भी हो, वक्ता से पूछते महाराज कथा कहते हो, बोले हाँ तो कौन कौन से देश में गए। यदि आपने कहा कि हम तो भाई यहीं जाते, विदेश नहीं गए, अच्छा तो लोकल में ही कथा होती है, भाषा शैली ही बदल जाती है। तो भैया विदेशी चश्मा हम लोगों पर ऐसा चढ़ गया है कि हर चीज में जब तक विदेशी छाप ना लग जाए तब तक हमको गले नहीं उतरती, उसको देखने में आनंद नहीं आ, उसको महत्वहीन मानते हैं। यहां तक कि हमारे ऋषि मुनियों की वाणी यदि किसी विदेशी वैज्ञानिक के द्वारा अंग्रेजी में बोल दी जाए तो हम लोग बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य मान लेते हैं, अरे देखो फलाने वैज्ञानिक ने ऐसा कहा है। हमारे वेद शास्त्रों में ऋषियों ने न जाने कितने हजार साल पहले कह दी, पर उसी बात को जरा अंग्रेजी की चाशनी में लपेट करके विदेशी लोग बोल देते हैं तो लोगों को बड़ी महत्वपूर्ण लगने लगती है वही बात। यह विदेशी चश्मा का चमत्कार। तो नारद जी ने कहा माता जी आप विदेश मत जाइए, मैं नारद आज प्रतिज्ञा करता हूं
कि तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। इस लोक में जन जन में आपको घर घर प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं भी हरि का दास न कहलाऊं। जैसे हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने प्रतिज्ञा करी, जब तक इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे, और जन जन में घर घर में जब तक जय सियाराम की आवाज बुलंद नहीं होगी, घर घर में जय सीताराम के नारे जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम अपने घर में शांति से नहीं रहेंगे। लगता है नारद जी की वही प्रतिज्ञा आपके माध्यम से प्रभावशाली हो रही है। नारद जी की भागवत में ये महात्म में प्रतिज्ञा है, तदा नाहम हरेर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। हे भक्ति माँ, मैं जन जन में तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दूं तो मैं हरि का दास न कहलाऊं, मैं भगवान का भक्त नहीं। ये सुन के तो भक्ति माँ गदगद हो गई, आनंद में झूम गई और नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया, वचन रचन मेकं केवलं चाकलैया, ध्रुव पदम पियातो यत्र पातो महारानी की। भक्ति माँ ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपने जिसके ऊपर हाथ रख दिया उसी का कल्याण कर दिया। कयाधु नंदन प्रहलाद को आपने आशीर्वाद दिया तो भक्ति शिरोमणि भय प्रहलाद, भक्तों में शिरोमणि हो गए। आपने ध्रुव जी के सिर पर हाथ रख दिया तो ध्रुव पद को प्राप्त हो गए, आज भी ध्रुव तारा बने आकाश में चमक रहे हैं। तो हे देवर्षि, जैसे ध्रुव और प्रहलाद पर कृपा करी ऐसे मेरे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। नारद जी ने कहा, देवी चिंता छोड़िए और प्रभु के चरणों का चिंतन प्रारंभ कीजिए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति, गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो दुख सब दूर हो जाते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ठाकुर जी के चरणों का चिंतन ही वो चिंतामणि है कि तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देंगे। जैसे महाराज जी की पुड़िया आजकल कमाल कर रही है, हैं? आशीर्वाद की पुड़िया जिसको मिल गई उसकी सारी चिंता भाग जाती है। तो ठाकुर जी के चरणों का ये चमत्कार है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सारी विपत्तियों से विमुक्ति देने वाली है। इसलिए देवी चिंता छोड़ो, चिंतन करो। और इतना कह के नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने के प्रयास करने लगे, बहुत हिलाए डुलाए कान में चिल्लाए पर कोई फायदा नहीं हुआ। नारद जी समझ गए मामला सीरियस है, बिना जड़ी बूटी के दवा दारू के ठीक नहीं होगा। तो नारद जी ने फिर दवा पिलाई, कौन सी? वेद वेदांत घोषश्चर गीता पाठिर मोहर मोह। वेद सुनाया, वेदांत उपनिषदें सब सुनाई, कई बार भगवत गीता का पाठ सुनाया जो सबका सार सर्वस्व है। अभी गीता जयंती है संपन्न हुई है, गीता क्या है? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ठाकुर जी ने क्या किया, सारी वेद उपनिषदों को गाय के रूप में प्रकट किया, गौ माता। कन्हैया तो हमारे बचपन से गोपाल हैं, गायों को चराने वाले और गैया धोने वाले, तो हमारे कन्हैया स्वयं दोग्धा बन गए,
दोहने वाले, परंतु गैया दूध कब देती है? जब बछड़ा स्तनपान करे। बछड़ा जब मुंह मारता है तभी स्तनों में दुग्ध आता है। तो ठाकुर जी ने महाभारत के प्रारंभ में अर्जुन को बछड़ा बना दिया। अर्जुन ने जब जिज्ञासा का मुंह मारा तो भगवान ने सारी उपनिषदों के गाय से और दूध निकलना चालू किया, और दूध क्या निकला? भगवद गीता अमृतम महत। जो भगवद गीता है वो उपनिषदों का दूध है। जो गोविंद ने उपनिषदों की गाय से सार के रूप में निकाल लिया। इसलिए प्रत्येक सनातनी के घर में भगवद गीता अवश्य होनी चाहिए। और आज से व्रत लीजिए कि भले ही दो श्लोकों का पाठ करो पर भगवद गीता का पाठ सबको करना चाहिए। और संस्कृत नहीं आती तो कहते हैं कि महाराज कैसे पाठ करें, तो चलो रामचरितमानस का पाठ कर दो, क्योंकि निगम कल्प ये जितने भी वेद वेदांत है उस सब का सार गोस्वामी जी महाराज ने हिंदी में रामचरितमानस में स्थापित कर दिया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम। तो रामचरितमानस का तो पाठ आप कर ही सकते हैं, तो भगवत गीता और रामचरितमानस ये दोनों ग्रंथ सबके घर में होना चाहिए। यदि आप अपने को हिंदू और सनातनी मानते हो तो ये दो ग्रंथ प्रत्येक घर में मिलना चाहिए। आप पाठ भले ही ना कर पाओ, दर्शन करके केवल प्रणाम कर लिया करो तो भी उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो महाराज सबका सार भगवत गीता है सूत्र रूप में। नारद जी ने वो भी सुना दिया और भगवान की कृपा से हम सबको उपलब्ध हुआ है, परंतु पीता कौन है? इस दूध को पचाता कौन है? क्योंकि आजकल पेप्सी पीने वाले ज्यादा हो गए हैं तो दूध पीने वालों की संख्या कम हो गई है। बचपन से ही माताएं भी बोतल के सहारे बच्चे को छोड़ देती हैं, और जो जो बड़ा होता जाता है बोतल भी बड़ी होती चली जाती है। बोलो राधे राधे। तो दूध पीने की सामर्थ्य बच्चों की घटती जा रही है। पहले लोग कहते जरा मलाई मार के बढ़िया दूध बनाओ, वो आजकल के बच्चों को मलाई मुंह में आवे तो थूक देते हैं, अरे ये क्या आ गया। उल्टा सीधा तो सब खाएंगे पर दूध और मलाई के नाम से घबराएंगे, तो सबको पचता नहीं। तो भगवद गीता दूध है, पिएगा कौन? बोले सुधीर भोक्ता, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, वही गीता रूपी दूध को पचा पाते हैं और पी पाते हैं। इसलिए नित्य गीता का भले ही एक श्लोक पढ़ो परंतु पढ़ने का अभ्यास करो, तो धीरे धीरे जब एक थोड़ा थोड़ा पीने लगोगे तो वो पचने भी लगेगा, समझ में आने लगेगा। पर गीता पाठ भी सुनाया, ज्ञान वैराग्य का स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो नारद जी चिंता में पड़ गए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो तभी ठीक होंगे। नारद जी बोले तो इतनी देर से कर क्या रहे थे, कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत समझाएंगे। तब नारद जी निकल पड़े कि आखिर पता तो लगाऊं ये सत्कर्म है क्या चीज। अब न तो जड़ी बूटी का नाम बताया कि अमुक सत्कर्म करो, न किसी संत का नाम बताया। यदि आकाशवाणी सीधा कहती थे सीधे बागेश्वर धाम चले जाओ, पता लग जाएगा सत्कर्म क्या है, तो कहीं ना भटक के सीधे बागेश्वर धाम आ जाते। परंतु न तो संत का नाम बताया, न स्थान का नाम बताया, न बूटी का नाम बताया, सीधा कहा कि सत्कर्म करो और संतों से पूछो कि वो कौन सा सत्कर्म है। अब नारद जी निकल पड़े, जो महात्मा मिला उसी से प्रश्न किया, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जैसे प्रसिद्ध महात्मा किसी से प्रश्न करें तो वो जिससे प्रश्न करते हैं वो ही हाथ जोड़ लेता है, अरे महाराज जी ब्रह्मा के बेटा पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, आपको हम क्या बताएं सत्कर्म क्या होता है। कोई बताने वाला नहीं, जिससे प्रश्न करते वही हाथ जोड़ लेता। बड़े बड़े संत महंत जगतगुरुओं के पास गए, महाराज आप बताओ। अब वो मना कर दें कि हमको नहीं आता तो बेइज्जती हो जाएगी चेलाओं में, उन्होंने इशारा कर दिया। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खुलेगा तब बता देंगे। तो मूकी भूतास्तथा नेतु की अंतस्तु पलायता, बहुत से भाग गए, बहुत से मौन धारण कर लिए, पर सत्कर्म क्या है ये कोई नहीं बता पाया। तब नारद जी ने फैसला लिया बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। इसलिए बद्रीनाथ आ रहा था, महाराज मैं नर नारायण भगवान को खोज रहा था, वो दोनों तो मिले नहीं, आप चारों भैया मिल गए।
इसलिए अब मैं आप चारों से ही पूछता हूं कि आप ही बता दीजिए ये सत्कर्म क्या चीज है। सनकादिक बोले इतनी सी बात पर परेशान हो, मां चिंताम कुरुदेवर से हरसम चित्ते समावह, आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए, चिंता त्याग दीजिए, उपाय हमारे पास है। क्या है वो उपाय? बोले वो कोई और नहीं, श्रीमद भागवता लाप सतुगी तक सुकाद भी, वो सत्कर्म है श्रीमद भागवत महापुराण की कथा, जिसको सुनते ही ज्ञान वैराग स्वस्थ और मस्त होके मैया के साथ ताता थैया करके नाचेंगे, ये हमारा दावा है। नारद जी बोले हमें तो आपके दावा में कोई दम नजर नहीं आ रहा। क्यों भाई? बोले जब हमने सारी गीता सुना दी, वेद पुराण सब सुना दिए, उससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या हो जाएगा? नारद जी कहते मैं स्वयं भागवत का जानकार हूं, मैंने व्यास जी से भागवत का विस्तार करवाया है, तो मैं जानता हूं भागवत में वेदों के ही मंत्रों की व्याख्या है, वेदों का भाष्य है भागवत, तो जब वेदों से ही कुछ नहीं हुआ तो उसी की व्याख्या भागवत में, उससे क्या हो जाएगा? सनकादिक बोले नारद जी आप आम का फल चूस करके यह तर्क दो कि फल में जब इतना रस है तो इसके वृक्ष में कितना रस होगा, और फल को फेंक करके डायरेक्ट वृक्ष की डाली पत्ते चबाने लग जाओ तो क्या आपको रस मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा कोशिश करी तो बत्ती सी बाहर आ जाएगी, पर आम के फल में जो रस होता है वो वृक्ष में आपको नहीं मिलने वाला। तो वेद है वृक्ष और भागवत है उसका फल। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का ये फल है, इसलिए जो रस आपको भागवत से मिलेगा वो वेदों से नहीं मिलने वाला। दूध से ही घी निकाला जाता है, पर भंडारा शुद्ध घी के द्वारा ही पूड़ी निकलती है, दूध में पूड़ी नहीं निकलने वाली। इसी प्रकार से वेद है दूध और भागवत है उसका घी, वेद है वृक्ष और भागवत है उसका फल, वेद है गन्ना का रस है तो भागवत है उसी की बनी शक्कर। इस प्रकार कई दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी का संशय दूर हुआ और कहा भैया मेरे भाग्योदय हो गए, जो आपका सत्संग मुझे मिल गया, आपने मेरा बहुत बड़ा भ्रम और संशय मिटा दिया। वेद और पुराण जो है ना, ये महासमुद्र है, इसमें अनंत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, जैसे समुद्र में जल की राशि अनंत अथाह होती है, परंतु आप चाहो कि उस पानी से आप अपनी प्यास बुझा लो तो प्यास नहीं बुझने वाली। समुद्र का पानी देखने में ही प्यारा है पर पानी पूरा खारा है, आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। परंतु उसी समुद्र के पानी को मेघमंडल बादल जब भर के लाते हैं और रिमझिम करके बरसाते हैं तो उस मधुर पानी को पी करके सब मस्त हो जाते हैं। उसी प्रकार वेद पुराण उदति घन साधु, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघमंडल हैं। वेदों के ही वचनों को जब संत विद्वानों की वाणी से सुनोगे तो समझ में आवात आ जाएगी, आपके हृदय में उतर जाएगी, और डायरेक्ट वेदों को पढ़ करके पुराणों को समझने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हारी बुद्धि गड़बड़ा जाए। अरे वेद पुराणों की छोड़ दो, रामचरित मानस को पढ़ने से लोगों की बहुतों की बुद्धि खराब हो जाती है कि बताओ रामचरित मानस में गोस्वामी जी ने ऐसा लिख दिया वैसा लिख दिया, तो वेद शास्त्रों को तो हम क्या पढ़ेंगे जब रामचरित मानस की चौपाइयों में ही चक्कर खा जाते हैं उल्टा सीधा। बहुत से मूर्खानंद तुम्हारा पन्ने फाड़ने चालू कर देते हैं कि ऐसा क्यों लिखा, तो वेद शास्त्रों को क्या समझ पाएंगे। इसलिए बोलो जय सियाराम। सबको पानी नहीं पच सकता, संतों के द्वारा ही शास्त्र की औषधि आपको पेय बनेगी। देखो मेडिकल में तमाम दवाइयां भरी हुई हैं, आपको बुखार आया कोई या कोई बीमारी हो गई और डायरेक्ट जाकर के आपने कोई भी दवा उठा के खा ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप भले ही तर्क दो कि हमने तो साहब मेडिकल से ताजी दवा ली थी, तो मेडिकल की कोई कमी नहीं है ना दवा में कोई कमी है, तुमने अपनी मनमर्जी से खाई है बस यही गड़बड़ी है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, डॉक्टर के बनाए पर्चे से ही दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी बात। उसी प्रकार संत और सदगुरु के माध्यम से ही शास्त्रों की दवा का सेवन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, मनमानी बातें आप पढ़ोगे लिखोगे तो हो सकता है रिएक्शन हो जाए। बहुतों को आजकल रिएक्शन चल रहा है,
किसी को मनुस्मृति से रिएक्शन हो रहा है तो किसी को रामचरितमानस में रिएक्शन हो रहा है। इसलिए बिना संत सदगुरु की कृपा के ये दवा कभी कभी किसी को रिएक्शन कर सकती है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास। इस प्रकार से नारद जी को समझाया और नारद जी को समझ में आया और कहा कि अब तो आपके ही श्रीमुख से भागवत सुननी है। और ये बोले इससे बढ़िया बात क्या होगी, कहां सुने? बोले चलो हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आ गए और जब पता चला कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, श्रोता वक्ता दोनों ही दिव्य हैं, कथावाचक कौन है? बोले सनकादिक ऋषि। और आयोजक कौन कर रहे हैं? बोले देवर्षि नारद। तब तो महाराज उमड़ पड़ी भीड़, भृगुर वशिष्ठ श्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवराता। कथा तो हम कई जगह कहते हैं परंतु जो भीड़ यहां उमड़ रही है, आजकल 50% से ज्यादा फोन तो हमें केवल इसलिए आ रहे हैं महाराज बागेश्वर धाम में आपकी कथा सुननी है। हम समझ जाते हैं कि कथा तो ये कहीं भी सुन सकते हैं पर बागेश्वर धाम में हो रही है इसलिए सुनना है। बोलो राधे राधे। तो भैया स्थान का महत्व होता है, मुख्य श्रोता का महत्व होता है, है? इसलिए जब पता चला लोगों को कि नारद जी कथा करा रहे हैं और सनकादि कथा कह रहे हैं तो दोनों ही भैया दिव्य हैं। गूढ़ रहस्य कब प्रकट होता है? जब श्रोता वक्ता दोनों ही दिव्य हों। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। और उमड़ पड़ा संत समुदाय, विशाल जन समुदाय उपस्थित हो गया गंगा के किनारे। और जैसी कथा प्रारंभ हुई सनकादिकों ने भागवत का महात्म गान किया कि महिमा सुनते सुनते चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुण गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। ऐसा दिव्य संकीर्तन हुआ कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर के ताता थैया नाचने लग गए। भक्ति माने का ये बताओ महाराज, मैं बैठूं कहां? सनकादिक बोले, ये जितने श्रोता बैठे इन सबके हृदय में जाकर के आप बैठ जाइए, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति महारानी बैठ जाए उन्हें भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि भगवान उनके पीछे पीछे भागते हुए दौड़ते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय ते साम भक्ति सूत्रोपनद्ध। जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाए उसके हृदय में भगवान अपना धाम छोड़ करके भागे चले आते हैं और तेसाम हृदय प्रविशति उसके हृदय में घुस जाते हैं। और एक बार जिसके हृदय में हरि प्रवेश कर गए तो भक्ति उनको ऐसा पकड़ के रखती है कि हमेशा के लिए बंधक बना लेती है, उन्हें निकलने नहीं देती। हमेशा हमेशा के लिए भगवान उन भक्तों के हृदय में बंधक माने कैदी बन जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जैसे राम जी हनुमान जी के हृदय में कैदी हो गए, बंधक बन गए। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय आगार में राम जी धनुष बाण लेके 24 घंटे रहते हैं। ऐसे ही जिनके हृदय में भक्ति होती है उनके हृदय में भगवान भी बिन बुलाए चले आते हैं। इसलिए देवी भक्ति महारानी आप इन सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाइए। अब नारद जी ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज ये तो मैंने चमत्कार देख लिया कि भागवत के सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो जाते हैं, मैंने प्रत्यक्ष प्रकट होते देख लिया, तो श्रीमद् भागवत क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर तीर्थ नहीं, तीर्थों का राजा तीर्थराज प्रयाग प्रकट हो जाता है, ऐसे भागवत पुराण नहीं है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का त्रिवेणी संगम है, इसलिए पुराण नहीं महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण, पुराण तो 18 है और भागवत महापुराण है। जब भागवत लिखी वेदव्यास जी महाराज ने तो श्री हरि नारायण को प्रदान करी, महाराज इस पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, अपना आशीर्वाद इस ग्रंथ को दीजिए। तो भगवान नारायण ने पूछा इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है भागवत। इसका अर्थ क्या होता है? बोले भागवत का अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये आपकी वाणी से प्रकट हुआ है इसलिए इसका नाम मैंने भागवत रखा है। तो भगवान ने तुरंत आशीर्वाद ग्रंथ को दे दिया। बगल में ही बैठी थी लक्ष्मी जी, ब्यास जी ने कहा माता जी आप भी तो आशीर्वाद दीजिए ग्रंथ को। तो लक्ष्मी जी ने कहा इसमें मेरा नाम कहां है? बोले मां इसका नाम भागवत है और भागवत का अर्थ ये भी होता है कि भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती ने जो अपनी वाणी से प्रकट किया है उसका भी नाम भागवत है। तो आप और नारायण अलग अलग थोड़ी हैं, कहियत भिन्न न भिन्न, आप तो एक ही हो। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा, जबरदस्ती का अर्थ मुझे नहीं चाहिए, मेरा नाम स्पष्ट होना चाहिए तभी मेरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो जो भागवत पुराण था व्यास जी ने मां को प्रसन्न करने के लिए उसमें श्रीमत और जोड़ दिया। बोले माता जी अब तो आप श्री के रूप में इसमें विराजमान हैं स्पष्ट रूप से, अब तो आशीर्वाद दीजिए। तब लक्ष्मी मैया ने दोनों भुजा उठा करके इस ग्रंथ को गदगद होकर आशीर्वाद दिया और इसका पूरा नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की जय। नारद जी ने कहा बाबा ये और बता दीजिए कि भागवत के सुनने से कैसे कैसे पापी तर जाते हैं? सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न खत्म करो, हम तो कहते हैं ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस प्राणी ने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, पाप के अलावा दूसरा काम ही ना जानता हो, पापियों की प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में जो नंबर 1 का निकले वो पापी भी यदि एक बार
भागवत सुधा अमृत का पान कर ले तो कलयुग में वो भी पवित्र हो जाएगा। अच्छा महाराज, आज तक कोई एक आध उदाहरण है जो पवित्र हुआ हो, उद्धार हुआ हो? बिल्कुल है, तो बताइए। तब एक दिव्य सत्य घटना इतिहास की सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री, बड़े भारी विद्वान थे। विद्वानों में उनको भास्कर कहा जाता, द्वितीय में वह भास्कर, साक्षात विद्या भास्कर थे। बोलो जय सिया राम। परंतु पंडित जी जितने विद्वान थे उनकी पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी। उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। वो इतनी खतरनाक थी कि जब तक आस पड़ोस में कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए तब तक उनका भोजन नहीं पचता था। कलह प्रिया, झगड़ा उनको बेहद पसंद था। पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन दुखी होकर के पंडित जी तो घर छोड़ के ही भाग गए कि हमें इस घर में रहना ही नहीं। क्योंकि एक दिन सवेरे सवेरे घूम रहे थे, किसी ने देख देखा, अरे सवेरे सवेरे इस निपुते का मुंह देख लिया और मुंह फेर के चला गया। पंडित जी ने सुन लिया तो मूड खराब हो गया कि मुझे तो अब घर में रहना ही नहीं है। गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़कर जंगल में भाग गए। अब छाती पीट पीट के जंगल में रो रहे थे कि हे भगवान मुझे उठा लो, किसी शेर व्याघ्र का ग्रास बना दो, पर बिना संतान के अब मैं घर नहीं लौटूंगा। रोते हुए ब्राह्मण को आवाज सुन करके एक सन्यासी बाबा आ गए। सन्यासी बाबा वहां से जंगल में मस्ती में घूमते हुए जा रहे थे, जैसे ही ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो पास में आके प्यार से पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बनीयसी। अरे पंडित जी महाराज, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? हमें बताओ, हम तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देंगे। सत्वरम बद, जल्दी बताओ। सहानुभूति संत ने दिखाई तो तुरंत पंडित जी चरणों में लिपट गए। किम ब्रवीमिरिषे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मेरे न जाने कितने जन्मों के पाप उदय हो गए, जो आज भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, पर संतान के बिना आंगन सूना है, सब बेकार लगता है, उजड़ा हुआ लगता है। महात्मा ने मन ही मन सोचा, जंगल में रो रहा था तो मैंने सोचा मेरी ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, इसको कोई साधन बताऊंगा, और जंगल में बेटा के लिए रोने बैठा। तो महात्मा समझाने लगे, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी देखने में आप पढ़े लिखे लगते हो, इसलिए कह रहा हूं, ये बेटा बेटियों में सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। यदि बेटे से सुख मिलता तो राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए थे, क्या सुख दिया? कपिल भगवान का अपमान करके सबके सब मर गए। कई पीढ़ियों को गंगा जी के अवतार के लिए तपस्या करनी पड़ी, तब जाके गंगा जी ने उद्धार किया। इसलिए बेटा बेटी में कुछ नहीं रखा। यदि ईमानदारी से तुम सुखी होना चाहते हो तो संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास का जीवन बड़े आनंद का होता है, चलो हमारे साथ, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। सन्यासी बाबा ने खूब समझाया कि चलो बागेश्वर धाम, जीवन का आनंद लो हमारे साथ मिलजुल के मस्ती से, कहां बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो। परंतु भूत तो कोई दूसरा ही चढ़ा था, बेटे का भूत चढ़ा था इस समय पंडित जी के सिर पर। बोले सुनो महाराज जी, संन्यास शुष्क ए बही, ये सन्यासी लोग क्या जाने बेटा बेटियों का क्या आनंद होता है। अरे गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित, जब बेटा नाती पोता घर में हो तो उनकी तोतली बाणी सुन के जब बाबा बाबा पापा पापा करते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, उनकी आवाज सुन के कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। तुम बाबा बैरागी क्या जानो ये आनंद। इसलिए महाराज मुझे प्रवचन न दो, बस मुझे तो आशीर्वाद दो कि घर में एक बच्चा हो जाए, मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। सन्यासी बाबा समझ गए, बड़ा तगड़ा भूत लगा है भाई इसको तो। परंतु सन्यासी बाबा तो बड़े बड़े भूत झगड़ाने वाले थे, परंतु बहुत समझाया, बहुत उपदेश दिया, पर इनका भूत नहीं उतरा। तो बाबा जी ने जो सही बात थी वो कह दी, सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे,
परंतु आप तुम सुनना चाहते हो तो हम बता ही देते हैं। और महाराज जी का जब मूड उगड़ता है ना तो फिर तो महाराज पूरी जन्म कुंडली खोल देते हैं। सो आज की नहीं, सन्यासी बाबा बोले सुनो पंडित जी, हम तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ करके गारंटी के साथ कह सकते हैं, सप्त जन्मा बधि तब पुत्रो नई वच नई वच, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो 7 जन्म तक तुम्हें कोई बच्चा होने वाला नहीं। अच्छा, इतना सुन के इतना धक्का लगा पंडित जी को कि बड़ी जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए, अरे भाई क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे पंडित जी। पंडित जी बोले हम तो मरने के लिए ही घर से निकले थे महाराज जी, पर आपके दरबार में आए तो हमने सोचा कि आप हमारा कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, ये तो आप जानो, पर इतना मैं कह देता हूं महाराज जी, यदि आपने बेटा नहीं दिया तो अभी आपके चरणों में कपाल क्रिया हो जाएगी मेरी, मैं अभी आत्महत्या करके मर जाऊंगा, खोपड़ी फोड़ लूंगा तो मैं तो मर के चला जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी इस ब्राह्मण के मरने की। अब तो महाराज जी की भी धड़कन तेज हो गई, हे भगवान कैसे कैसे विचित्र लोग आते हैं, एक बार तो खोपड़ी फोड़ चुका है, अब की बार ये मर भी सकता है इसका कोई भरोसा नहीं, बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी, तो ब्रह्म हत्या लगेगी वो अलग। तो महात्मा बोले सुनो सुनो, अब नहीं मानते तो फिर देखो बाबा का चमत्कार। बगल में से एक फल निकाला, पंडित जी के हाथ पे रख दिया, और सन्यासी बाबा बोले इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, जाओ ये हमारे आशीर्वाद का फल है, इसे लेकर के सीधे घर जाके अपनी पत्नी को खिलाओ, गारंटी लेता हूं निश्चित रूप से बेटा ही होगा। इतना सुन करके तो महाराज पंडित जी नाचने लगे, आहा संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे भरोसा था महाराज का आशीर्वाद मुझे अवश्य मिलेगा, और कोई नियम हो वो भी बता दो, तो 2-4 नियम बता दिए। महात्मा का आशीर्वाद लेकर के पंडित जी सीधे भागते हुए घर पहुंचे। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भीतर से भागी भागी आई कि आज सवेरे के गायब हैं, लगता तगड़ा माल लेके आए हैं कहीं से। दौड़ी दौड़ी आई, क्या लाए हो जी। बोले देख कितना सुंदर फल है, अब जल्दी से खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे थे जैसे 9 लखा हार लेके आए हो। मैंने क्या फल नहीं खाया। बोले बाबरी है, सब ऐसा फल नहीं है, सन्यासी बाबा ने दिया है, और सीधे बागेश्वर से आ रहा हूं धाम से, खाएगी तो गारंटी से बेटा होगा, महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है, संत वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैंने प्राणों की बाजी लगा दी महाराज जी के चरणों में, तब जाके ये कृपा भई है, इसलिए अब तू फटाफट खा ले। परंतु धुंधली तो धुंधली ठहरी, उसको लगा कि महाराज जी के द्वारा ये कोई जादू टोना करवा रहे मेरे ऊपर, या तो मुझे बस में करने के लिए कोई चक्कर चला रहे, मैं ऐसे बिना सोचे समझे नहीं खाने वाली। तो बोली सुनो जी, ये महाराज जी का आशीर्वाद का फल है, तो मैं पहले नहाऊंगी, शुद्ध होके पूजा करूंगी, ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी, तब पाऊंगी, ताकि बच्चा हमारा बहुत अच्छा हो। देवियों को समझाना बड़ा जोरदार आता है, पंडित जी की तुरंत समझ में बात आ गई, ठीक कह रही है, पर ध्यान से खा लेना। हाँ महाराज बिल्कुल चिंता मत करो। पंडित जी तो फल देके निश्चिंत हो गए, पर देवी जी फल लेके सोचने लगी, हे भगवान खाऊं के नहीं खाऊं, फल खाने से कहीं मैं गर्भवती हो गई, मैंने सुना है गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती, और कहीं मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भाग पाऊंगी, और मैंने ये भी सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती, यदि मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा, वैसे मैं अपनी ननद को बुला लूंगी, मेरी नंद जब बुआ बनेगी तो उसे बधाई तो देनी पड़ेगी, तो 4 महीना पहले बुला के उसे उसी से घर के काम करवाऊंगी, बाद में जो बनेगा उसे देख के खुश कर दूंगी। फिर बोली नहीं नहीं, वो महाचोटी है, जब जब आती है मेरे घर से माल गायब हो जाता है, कहीं उसके भरोसे घर छोड़ दिया तो मेरे तो घर का जय सिया राम हो जाएगा, है वो तो मेरे घर की ठटरी बांध जाएगी। बोलो राधे राधे, मेरे घर का तो हो गया कल्याण। इसलिए एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने तर्क वितर्क किए कि उसने फल खाया ही नहीं। छोटी बहन अचानक मिलने आई तो उसने उसको सुनाई बात, छोटी बहन बोली चिंता मत कर, क्योंकि वो अपने जुगाड़ में थी, वो सोच रही थी इसके कोई बच्चा ना हो तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मुझे मिल जाए, वो
इसलिए उसने और डरा दिया। अरे बहन तू पागल भई है, फल खाने से कि बेटा बेटी होते, सब बकवास है। एक काम कर, महाराज जी में कितनी दम है, उनके फल में क्या चमत्कार है, परीक्षा करके देखनी चाहिए। बड़े बड़े पत्रकारों ने परीक्षा ली है, तो अपन भी परीक्षा लेके देख ले। तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले देख बहन, जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं हुआ, तैसे तेरी गैया के भी कोई बछड़ा नहीं हुआ। ये फल तू गैया को खिला, महाराज जी के फल में यदि चमत्कार है तो देखें गैया के क्या होता है, तो बाबा के फल की परीक्षा भी हो जाएगी। और तुझे तो सिर्फ बेटा ही चाहिए ना, तो तेरे भले ही नहीं है पर मेरे तो एक दर्जन पहले ही हो चुके हैं और एक और होने वाला है, मुझे तो बच्चों की जरूरत नहीं। अब की बार जो बच्चा होगा मैं तुझे दे जाऊंगी, तुझे बेटा भी मिल जाएगा और महाराज जी के फल की परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली बोली, बा बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, एक मिनट में मेरी समस्या ही पूरी खत्म कर दी तूने। और छोटी बहन की बातों में आके चुपचाप गैया को फल खिला दिया। और पंडित जी से कह दिया, महाराज मैंने फल खाया है तब से बहुत फायदा हो रहा है। अब पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं, वो तो एक एक दिन गिनना चालू कर दिया। समय पा करके छोटी बहन के बेटा हुआ, रात में लाके धुंधली को दिया। सवेरा होने पर धुंधली ने पतिदेव से कह दिया, महाराज आज रात में बेटा हो गया। पंडित जी नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई। उसके 3 महीने बाद साधेनु सुसवेर भकह, पंडित जी की गैया के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़ा ही सुंदर मनोहर बालक, केवल उसके कान गाय जैसे थे, बाकी बिल्कुल मनुष्य जैसा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया गजब हो गया। भगवान देते हैं तो छप्पड़ फार के देते हैं, सन्यासी बाबा की ऐसी कृपा की गैया के भी बेटा हो गया। ये तो भाई जिंदगी का पहला चमत्कार देखा हमने। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, देनवा बाल प्रसूतस्तु दैवरूपीति कौतुकम्, दैवरूपीति कौतुकम्। ये तो चमत्कार है भाई, गाय के मनुष्य का बेटा हो गया। पूरा गांव उमड़ पड़ा देखने के लिए, गाय का बेटा कैसा। पंडित जी को लगा कि महाराज जी का पूरा भरपूर आशीर्वाद मिल, मैंने तो एक ही बेटा मांगा था, दो दो हो गए, मेरे भी हो गया, गैया के भी हो गए। बच्चों के नामकरण किए, गाय के बेटे के कान गाय जैसे हैं इसलिए नाम गौकर्ण, और अपने बेटे का नाम रखूंगा तब तक धुंधली घड़ी होगी, सबके नाम तुम ही धरोगे। बच्चा मैंने पैदा किया, पेट में मैंने धरा, तो नाम भी मैं ही धरूंगी, क्या नाम रखेगी। बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए, जैसी तुम्हारी मर्जी। नाम रख दिया धुंधकारी। बड़े होके दोनों ने नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। अब तो जो धुंधकारी ने आतंक फैलाया, पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे, हे भगवान अब मैं कहां जाऊं, किसको सुनाऊं, इसने तो मेरे को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, ये तो बड़ा ही नालायक निकला, मेरी सारी संपत्ति चौपट कर डाली, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। पंडित जी दुखी होकर के धुंधकारी से त्रस्त होकर मरने को निकले, तब गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ के बैठाया और प्रेम से पिताजी को समझाया। अब जरा कथा पर ध्यान दें, ये कथा तो लगभग आपने सुनी होगी, पर इस कथा का हमसे क्या संबंध है वो थोड़ा समझें। हम जितने भी बैठे हैं सब आत्मदेव हैं, और तुंग भद्रा नदी के किनारे रहते हैं। तुंग माने ऊंचा और भद्र माने कल्याण, सबसे उत्तम कल्याण का जो साधन है वही है तुंग भद्रा, और वो है मनुष्य शरीर। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसी में बैठते हैं आत्मदेव पंडित जी, पर हमारी जो मति है बुद्धि यही है धुंधली, इसे हमेशा धुंधला ही धुंधला नजर आता है, जैसे आजकल कोहरे में नजर आता है ना, कोहरा धुंध छा जाती है, कोई समझ में ही नहीं आता, ऐसी हमारी बुद्धि भी धुंधली है। बातें हम बहुत सुनते हैं संतों की, परंतु ये धुंधली संतों के दिए फल को खाती नहीं है, कुतर्क करती है खाती नहीं है। जैसे हम लोग कथा सुनते हैं तो खूब सिर हिलाते हैं, महाराज जी ने बहुत जोरदार बात कही, परंतु धुंधली कहती है चाहे जितनी घोपड़ी हिला लो, घर में चलो फिर देखती हूं, एक नहीं सुनूंगी तुम्हारी। तो कथा तो हम खूब सुनते हैं और कथा में हर बात समझ में भी खूब आ जाती है, पर घर में जाती धुंधली हमारे सिर पर सवार हो जाती है
और वो ज्ञान के फल को खाती नहीं है। और संत ने कहा था कि ये जो फल ज्ञान का मिला है उसे अपनी बुद्धि रूपी धुंधली को खिलाओगे तभी कल्याण होगा, पर हमने फल खाया नहीं, खाने को दे दिया खा लेना, और धुंधली ने नहीं खाया, बस यही गड़बड़ हो गई। पर महात्मा का फल बेकार तो नहीं गया, संत ने सन्यासी बाबा ने जो फल दिया था वो धुंधली ने नहीं खाया पर गैया ने खिला दिया, गैया के ही द्वारा गौकर्ण जी हुए, तो बाबा के आशीर्वाद का फल तो गौकर्ण है। और जो धुंधकारी है वो तो छोटी बहन का बेटा है, उसका तो बेटा था ही नहीं। इसका मतलब क्या है, संतों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के फल को यदि बुद्धि में बैठा लोगे तो विवेक रूपी गौकर्ण पैदा हो जाएगा, और यदि नहीं खाओगे, संतों के वचनों को ध्यान से नहीं सुनोगे तो अज्ञानी रूपी धुंधकारी आपको जिंदगी भर सताएगा। इसलिए इस अज्ञान के धुंधकारी से बचना चाहो तो संतों के ज्ञान रूपी फल को अपनी बुद्धि को खिला करके बुद्धि को ठीक कर दो तो जीवन उसमें बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग से ही ज्ञान का फल मिलता है और ज्ञान का फल पचाने से ही विवेक रूपी गौकर्ण पैदा होता है, और विवेक ने ही रास्ता दिखाया, गौकर्ण जी ने ही आत्मदेव को रास्ता बताया, और दो श्लोकों में जो उपदेश दिया है इसी का नाम है गौकर्ण गीता। दो श्लोकों में सब शास्त्रों का सार है, बहुत विस्तार से नहीं सुनाएंगे, 8 बजने वाले हैं तो 15 मिनट और। अच्छा, महाराज जी ने इशारा कर दिया है और आप भी जमे ही हो, जाओगे कहां है? यहां कोई ऐसा घूमने फिरने वाले तो ऐसे नहीं कि चलो फलाने पार्क में ले आके कहीं चले जाए, ये धाम है और यहां धाम में मुख्य जो देवता है वो विराजमान है, तो इसलिए जब तक संकेत नहीं मिलेगा तब तक अदा चलेगी। वैसे घबराइए मत, ज्यादा देर तो नहीं चलाएंगे, हमको भी ध्यान है, परंतु कुछ ही मिनटों में, और कल से हम समय का थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। 2 बजे आप लोग आएंगे और 6 बजे तक कथा चलेगी। तो गौकर्ण जी ने जो उपदेश दिया आप भी सुन लीजिए, क्योंकि आप सब, हम सब आत्मदेव हैं। देहस्तिमान सरोधरे धीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान्यसं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामकृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। ये 2 श्लोक समस्त शास्त्रों का सार है, सावधान होकर के सुनिए। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी जगत के समी जीव 2 रस्सियों से बंधे हैं, उनका नाम है अहंता और ममता। मैं और मोर तोरते माया, शरीर में अहम भाव और शरीर के संबंधियों में मेरापन, ये 2 ही रस्सियां हैं जो सबको बांध के रखते हैं। इसलिए अहमता ममता मैं और मोर का त्याग करो, और सेवस्व साधु पुरुषान, साधु संतों का सेवन करो माने उनकी सेवा करो, उनके सानिध्य में रहो, और जहि काम तृष्णा, सारी कामनाएं इच्छाएं कांटे की तरह जो चित्त में चुभी है निकाल के फेंक दो, और दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल छोड़ दो, देखना है तो अपने भीतर झांक के देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। जब हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली मुड़ के हमको कहती है तू अपने भीतर भी तो देख ले। इसलिए पिताजी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के ना गुण देखो ना दोष देखो, अपने आत्म निरीक्षण करो, अपने आप को पहचानो, अपने भीतर झांको। और इस प्रकार से सूत्र के रूप में सब कुछ गौकर्ण जी ने अपने पूज्य पिता को दे दिया, और क्या पिताजी सुखी होना चाहते हो
तो सन्यासे सर्वथा सुखम। सच्चा सुख सन्यास में है। जीवन में यदि सच्चा आनंद चाहते हो तो सन्यासी बाबा की शरण में चले जाओ। तब बात याद आई वो महात्मा की, अरे राम राम, ये तो बहुत साल पहले वो महाराज जी ने यही बात मुझसे कही थी कि बेटा तुम सन्यासी बन जाओ, देखो जिंदगी का आनंद। पर उस समय हमारे पर बेटे का भूत चढ़ा था, अब वो भूत बेटे की पिटाई से उतर गया। जिस बेटे के लिए पागल थे उसी बेटे ने मार पीट के हमारा सारा भूत उतार दिया। अब मेरे को बात समझ में आ गई, पर बेटा भजन में मन ही नहीं लगता तो मैं क्या करूं, कैसे मन लगाऊं। तब गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी देखो, आपने बिजली का तार पकड़ लिया तो आपको करंट लग गया। अब आप भले ही तार मत पकड़ो, जिसने तार पकड़ लिया है उसी को छू लो तो आपको भी भरपूर उतना ही करंट लगेगा जो तार पकड़ने वाले को लगा है। आपको अब डायरेक्ट तार पकड़ने की जरूरत नहीं, जिसने तार पकड़ रखा है तो आपने उसी को पकड़ लिया तो आपको भी उतना ही करंट लगेगा जो तार पकड़ने से लगता है। उसी प्रकार पिताजी, आप परमात्मा को नहीं समझ पा रहे, उनको नहीं पकड़ पा रहे तो मत पकड़ो, जिसने प्रभु को पकड़ रखा है तुम उन्हीं संतों को पकड़ लो तो तुम्हें भी कृपा का उतना ही भरपूर करंट लग जाएगा। अब बालाजी महाराज को नहीं पकड़ पाते कोई बात नहीं है, तो बालाजी को जिन्हें पकड़ रखा है उनको पकड़ लो, कृपा का करंट उतना ही लगेगा जितना उनका, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु ये नाम अलग अलग हैं, पर नाम अलग हैं पर बपू एक है, स्वरूप एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, एक ही बपू है। इसलिए आप संतों को पकड़ो, संत तुम्हें सीधे भगवंत से मिला देंगे। बोलो जय सिया राम। रामचरित मानस के दृष्टांत से देख लो, सुग्रीव है जीवात्मा, हनुमान जी हैं महात्मा और राम जी हैं परमात्मा। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी ने सीधे राम जी को ला करके सुग्रीव को मिला दिया। देखो जो माया में नाच रहा है उसका नाम जीवात्मा, और जो माया के बीच रह करके भी माया से मुक्त हो गया उसका नाम महात्मा, और माया को भी जो नचाता है उसका नाम परमात्मा। वो मायापति है इसलिए उनका नाम है माधव। मां माने माया और धव माने स्वामी, माया के जो स्वामी है उनका नाम माधव। तो देखो भाई, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में खड़े हैं महात्मा, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए महात्मा का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। बिना महात्मा के आप परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। शादी विवाह होता है ना तो कोई ना कोई बिचौलिया जरूर होता है। बिचौलिया का काम क्या है, वो जब वर पक्ष के पास जाएगा तो कन्या के गीत गाएगा, अरे साहब बिटिया क्या है, महालक्ष्मी है, भोजन क्या बनाती है कि उंगली चाटते रह जाओगे, और क्या सुंदर नृत्य करना जानती है, क्या मधुर कंठ कोकिल कंठ से गाती है, और सिलाई कढ़ाई बुनाई में सब में पारंगत है। ये समझ लो बहू नहीं आ रही, महालक्ष्मी आ रही है तुम्हारे घर। तो वर पक्ष गदगद हो जाता है, जैसे महाराज जी गदगद हो रहे। बोलो जय सिया राम। और जब वर पक्ष के जब कन्या पक्ष के पास जाता है बिचौलिया तो वर के गीत गाता है, महाराज बेटा क्या है, राजकुमार है, देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, बबुआ सा है, और सबसे बढ़िया बात है महाराज आज के युग में सुपारी तक नहीं खाता, कोई दुर्व्यसन नहीं है, देखने में बिल्कुल राजकुमार लगता है, तुम्हारे बेटी के भाग्य खुल जाएंगे यदि वहां संबंध हो गया। तो कन्या पक्ष भी गदगद हो जाता है। और इस प्रकार से बिचौलिया का काम है कि आपस में तालमेल बैठा करके और दोनों का संबंध पक्का करा दे। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के बीच में है महात्मा, ये बिचौलिया है। ये क्या करते हैं, जब भगवान की शरण में बैठते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो अपने आश्रित जीवों की व्यथा सुनाते हैं कि हे प्रभु, इतने जीव आप मेरे माध्यम से आपकी शरण में आए हैं, इन जीवों पर कृपा करो सरकार, इनके सब सारे दुख दारिद्र दूर कर दो,
क्योंकि मैं तो आपकी कृपा बांटने वाला हूं, मेरी अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु, मैं तो आपसे जोड़ करके आपका प्रसाद इन सबको बांट रहा हूं, तो इन जीवों पर आप कृपा कीजिए। तो जब परमात्मा के चरणों में बैठेंगे तो अपने आश्रित जीवों की व्यथा वहां सुनाते हैं दरबार में, और जब जीवात्माओं के पास में बैठते हैं तो परमात्मा की कथा सुनाते हैं जीवात्माओं को कि भगवान बड़े दयालु हैं, हमारे हनुमान जी बड़े कृपालु हैं, आपका सारा कष्ट दूर करेंगे, बस उनके दरबार में हाजिरी लगा दो। तो जीवात्मा की व्यथा भगवान को सुनाना और भगवान की कथा जीवात्मा को सुनाना, और दोनों को आपस में हाथ जोड़ करके मिला देना, जैसे हनुमान जी ने राम जी की कथा सुग्रीव को और सुग्रीव की व्यथा राम जी को सुना के दोनों को मित्र बना दिया। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाय, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ा। तो हमारे संत जन क्या करते हैं, जीवात्मा परमात्मा का मिलन कराते हैं, और हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी भी यही बात कहते हैं, मेरे में कुछ नहीं है, जितने भी हमने इंटरव्यू सुने वो कहते हैं मैं कुछ नहीं है भैया, मैं तो ठाकुर जी हनुमान जी की कृपा को वितरण कर रहा हूं, कृपा करने वाले तो हनुमान जी हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, डाकिया ने सुबह सुबह आकर के आपको 5,000 रुपया पकड़ा दिया और कहा कि भैया ये आपका मनिया डर है, ये संभालो, 5,000 रुपया दे दिए, और आप डांकिया के चरण पकड़ के कहो भैया इस समय इतने भुखमरी घर की थी, खाने के लिए तरस रहे थे, 5 दिन से चूल्हा नहीं जला था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमको 5,000 रुपया सवेरे सवेरे दे दिए, मैं तो धन्य हो गया। तो जो सज्जन डांकिया ईमानदार होगा तो कहेगा भैया जिसने भेजे हैं आप उनको धन्यवाद दीजिए, भाई मैं तो उनका मंडिया डर उनका भेजा हुआ रुपया आपको थमा रहा हूं, धन्यवाद देना है तो उनको दो। परंतु वो तो कहेगा भाई जिसके हाथ में रुपया आया है जिसके माध्यम से आया वो तो कहेगा भैया जिसने भेजा है वो तो हम बाद में देंगे, इस समय तो सवेरे सवेरे आपने रुपया हमारे हाथ पे धरा है, हम तो आपको पहले प्रणाम करके धन्यवाद देते हैं। कहने का मतलब है उसी प्रकार से जो सच्चे महात्मा होते हैं वो देने का अभिमान कभी नहीं करते, वो तो कहते हैं हनुमान जी की कृपा है राम जी की कृपा है जो हम उनसे ला करके तुम तक पहुंचा रहे हैं, हम तो डाकिया का काम कर रहे हैं, भैया धन्यवाद देना है तो ठाकुर जी को दो। जय सिया राम, वो आत्मश्लाघा कभी नहीं करते, अपनी महिमा कभी नहीं गाते, ठाकुर जी की महिमा गाते हैं, ये संत की पहचान होती है। इसलिए साधु से हो न कारण हानि, वो कभी किसी का अहित नहीं करते, स्वप्न में भी किसी का अहित चिंतन नहीं करते। इसलिए विश्व में किसी को भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है संतों से। बहुत से लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, अरे हिंदू राष्ट्र होगा तभी आपका कल्याण होगा, चाहे राम राज्य कहो चाहे हिंदू राज्य कहो, एक ही बात है, क्योंकि राम राज्य वही है हिंदू राष्ट्र वही है जहां पर कभी किसी के अहित की चिंतन ना, अहित चिंतन किसी का ना हो। ये तो हमारे सनातनियों का मूल मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। स्वप्न में भी किसी को दुख न पहुंचे, स्वप्न में भी कोई रोगी न हो, सब निरोगी हो, सब सुखी हो, सबका मंगल हो, ये कामना केवल सनातन धर्म की वाणी से ही आपको सुनने को मिलेगी, नहीं तो कहीं ये दुर्लभ है, ये वाणी आपको सनातन धर्म के अलावा बोलो किसी की वाणी से सुनने को मिलती है, कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। जहां बहुवंत में आए तहां महाराज आतंक दिखाई पड़ता है कि अब हम कैसे रहेंगे, सब असुरक्षित अनुभव होने लगते हैं। केवल सनातनी हिंदुओं का ही चमत्कार है जिनकी छत्र छाया में सब निश्चिंत होकर के निर्भीक होकर के निवास कर सकते हैं। इसलिए साधु से हो न कारज हानि, सच्चे साधु संत कभी किसी का अहित अमंगल स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए बहुत प्रकार से समझाया
बोलो जय सियाराम। जय सियाराम। अंत तो गत्वा, हृदय में बात आत्मदेव को जम गई, घर छोड़ के निकल गए और इसी उपदेश को आत्मसात करके जंगल में चले गए। भागवत का पाठ करते हुए आत्मदेव का उद्धार हो गया। परंतु पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने माताजी को मारना चालू किया। माताजी बताओ माल किधर है, पिताजी सब बता के गए होंगे। माँ ने कहा तूने सब तो बर्बाद कर दिया, बचाई क्या है, सो मारने लगा। अंत में दुखी होकर के धुंधली रात में घर छोड़ के भाग गई और कुआं में गिर के आत्महत्या कर बैठी। अब गोकर्ण जी को लगा हमारा नंबर आ गया, दुष्ट के संग में कभी नहीं रहना चाहिए, मैया बाप तो गए अब हमको परेशान करेगा। सो तीर्थ यात्रा करने के बहाने गोकर्ण जी निकल गए। अब धुंधकारी परम स्वतंत्र अकेला, सो पांच वैश्याओं को अपने घर में लाके बैठा लिया। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए चोरी डकैती सब करते थे। एक दिन राजघराने में चोरी करी और हीरे जवाहरात चुरा के लाए, पांचों को दिखाया तो पांचों ने रात में मीटिंग करी कि राजघराने में चोरी करी है, अब ये बचने वाला नहीं है। जिस दिन राजा पकड़ेगा इसकी पिटाई करेगा तो पूछेगा माल किधर है, तो ये अपना नाम लेगा, तो ये तो मरेगा, इसके साथ अपने को भी मरना पड़ेगा। क्यों ना हम ही ये शुभ काम कर दें, इसको निपटा दें, तो हम तो कम से कम सुरक्षित जिंदगी भर रहेंगे। तो रात में पिला खिला करके सुला दिया, खिलाया पिलाया नहीं, पिलाया खिलाया। और पिला खिला करके जब सुलाया तो जैसी खर्राटे बजे तो पलंग में ही इसे रस्सी के साथ बांध दिया। और जब इसको पता चला इसकी नींद खुली तो ये बचने के लिए चिल्लाया, चिल्लाने की कोशिश करी तो आग के अंगारे चूल्हे में से उठा लाई और इसके मुंह में ठूस ठूस के भर दिए। तप्तांगार समूहाश्चतन मुखे बिचिचिक्षुपु, आग की ज्वालाओं से अंगारे मुंह में भर के तड़फा तड़फा करके पांचों ने मिलके प्राण ले लिए और गड्ढा खोद के घर में ही दफना दिया। प्रायः साहस को स्त्री, स्त्री का मूड खराब हो जाए तो उसमें प्रबल साहस आ जाता है महाराज। उन पांचों देवियों ने निपटा दिया और रात भर में साफ कर दिया आंगन और माल लेकर के गायब। भयंकर भूत बन के भटकने लगा। गोकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध किया और घर लौट के आए। घर में जब सोने लगे तो रात में भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा तो डंडा लेके भगाने लगे। देखते देखते भेड़ का बच्चा भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया और अनेक प्रकार के विचित्र रूप दिखाने लगा। गोकर्ण जी डर गए, हाथ जोड़ के बोले कस्तम, ए भैया तुम कौन हो, क्यों डरा रहे हो। तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, इशारा करता है कि मैं बोल नहीं सकता। तब गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जो मारा सोई बोलने की शक्ति आ गई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने कितने पाप किए कोई गिनती नहीं, आज उसी पापों का परिणाम है कि जिनके लिए मैं कमा के दिया उन्होंने ही मार करके गाड़ दिया। आज भूत बना भटक रहा हूं, मेरा इस भयंकर भूत योनी से उद्धार करो भैया। बहुत से लोग कहते हैं भूत प्रेत कहीं नहीं होते, ये सब कल्पना है, जिनको कल्पना लगती हो आ जाए बागेश्वर धाम। फिर देखो महाराज कैसे उछल कूद करते हैं और भगवान जाने कितनी पिटाई हो, पिटाई पीटते हुए कोई नहीं दिखते और पिटते हुए चिल्लाते घूम नजर आते हैं। ये चमत्कार देख प्रत्यक्ष हमने तो कई बार देख लिया। बोलो जय सियाराम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, क्या बात है, ये हैं बजरंगबली के भगत। तो महाराज हमको तो जीवन में एक बार अनुभव हुआ महाराज, आपको संकेत में दो मिनट में सुना दूं। एक जगह कथा होती तो कथा निश्चित हो गई थी, उन्होंने कुछ बताया नहीं था, हम चले गए। तो रात में जब कथा कहने के बाद विश्राम किया तो धम धम की आवाजें सुनाई पड़ी छत से, तो बहुत तेज आवाज हुई रात में। तो हमने कहा कि क्या मामला, मेरे बच्चे खेल कूद कर रहे होंगे, उछल कूद कर रहे होंगे इसलिए आवाजें हो रही, हमने ध्यान नहीं दिया।
परंतु सो गए, रात के 12 बज गए, 1 बज गए, वो धम धम बंद ही ना हो गए। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, रात के 12 1 बजे तक बच्चे खेल रहे हैं, ये तो कोई बात समझ में नहीं आई। तो हमारे मित्र साथ में जो थे आचार्य जी, तो हमने कि चल के देखे ये बच्चे कौन धम धम कर रहे हैं। ऊपर जाके छत पे देखा, कोई नहीं, सन्नाटा। तो हमको लगा हमको देख करके छुप गए सारे बच्चे। फिर लौट के आए तो फिर वही धम धम चालू। हमने कि चलो बच्चे हैं, मचाने दो शोर। हम तो कान में रुई डाल करके सो गए। सवेरा हुआ तो गंगा जी के तट पर ही थी कथा, प्रयाग क्षेत्र की बात है। तो बोले महाराज आपको गंगा स्नान कराते हैं आयोजक। तो हमने बिल्कुल करेंगे सर। जब चलने लगे तो हमने रात में उनसे वो चलते समय रात की बात कही, मैंने भाई रात में ये बच्चे कौन उत्पात मचाते हैं, धम धम करते रहे, रात में ठीक से सोने नहीं दिया हमको। तो वो बोले महाराज इसीलिए तो भागवत करा रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? बोले मतलब ये है कि यही तो धमाधम हमको परेशान कर रही है। फिर उन्होंने लंबी अपनी कहानी सुनाई, कैसे ऐसे अमुक मर गई, उसके बाद वो मर गई, दो तीन मर चुकी हैं महाराज, वो भी रात भर धमाधम करती हैं। अब तो मैंने कि देवता तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताए होते तो हम उस तैयारी के साथ आते या हाथ जोड़ लेते। अब बीच में कथा छोड़ के भी नहीं जा सकते, कथा तो चालू हो गई और हमको तो कोई तंत्र मंत्र आता नहीं था। अब गंगा स्नान करके आए, हमने खूब हवन किया और खूब गायत्री जपा कि भाई ये देवताओं से हमें बचाना, खूब मंत्र मंत्र पढ़े और फिर सोए रात्रि में। अब उसने जो बात कही हमने कि शायद दम दम होती रहती होगी, हमने ध्यान नहीं दिया, चलो होती रहो। हमको इतना भरोसा था कि हम पर कोई प्रहार तो नहीं होगा, हम गायत्री की उपासना कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, तो आवाज कोई डरावे कितना भी पर हम पर प्रहार नहीं होगा, ऐसा विश्वास करके हम सो गए। तो धम धम होते होते अब हमारी पलंग भी हिलने लग गया, जैसे भूकंप आ रहा हो। हमने आचार्य जी नीचे सो रहे थे, हमने कहा आचार्य जी देखो देखो हमारा कोई पलंग हिल रहा, कहीं भूकंप तो नहीं आया? बोले नहीं मैं तो सो रहा हूं, मुझे तो कोई भूकंप नहीं लग रहा। अरे सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। अब तो हमने रात के 12 बज रहे थे, हमारा पलंग भूकंप की तरह हिल रहा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हिल लेते हैं तो कुछ होगा नहीं। फिर जबरदस्ती आंख बंद कर, परंतु पलंग हिल रहा हो तो किसको नींद आवे भाई। जैसे तैसे जबरदस्ती आंख मूंछे रहे और आंख जबरदस्ती सीधे लेटे थे और सोच रहे थे चलो अब धीरे धीरे नींद आ ही जाएगी। इतने में काली बिल्ली आके छाती पर कूद पड़ी, और सर्दियों का समय था, किवाड़ खिड़की सब बंद थे। हमने उसको धक्का मारा, वो उछल करके दूर गिरी। हमने तुरंत लाइट जला के आचार्य जी से कहा, आचार्य जी काली बिल्ली हम पर हमला की, देखो कहीं छुपी है यही। अब हमने पूरा कमरा छान मारा, जो सोफा रखे थे उनको हटाया हिलाए, एक भी ना बिल्ली का चूहा तक नहीं मिला। अब तो हमारी नींद गायब हो गई। हमने कि अब इस कमरे में तो हम नहीं सुनेंगे भाई। तो कहा तो हमारे जो संगीतकार दूसरे कमरे में रुके थे, उनके वो पचौरी जी हमारे थे, वहां पलंग डाला था, एक पलंग पर पचौरी जी सो रहे थे, बाकी सब कलाकार। तो हमने आचार्य जी से कहा कि हमको उस कमरे में छोड़ के आओ। तो हमने पचौरी जी से कहा, पचौरी जी तुम हमारे पलंग पे जाओ। इनको हमने अपने पलंग पर भेजा और इनके पलंग पर हम जा करके सोए। तो हमने अब दिमाग में वही घूम रहा था काली बिल्ली। इतने में वहां पर हमको तेज रोशनी दिखाई पड़ी, जैसे किसी ने कोई गाड़ी आ गई हो। पर हमने कहा गाड़ी आती है तो आवाज होती है, बिना आवाज के ये इतना तेज गाड़ी का प्रकाश कहाँ से हो रहा है? वो प्रकाश घूमता रहा। थोड़ी देर में एक अलवारी रखी थी, वो अलवारी हिलती नजर आई हमको। महाराज सातों दिन यही हालत देखी, और दिन में कथा कहते, रात में एक तरह से जागरण होता था पूरा। परंतु माने और तो कुछ नहीं हुआ। फिर हमने उनसे और कहा, मैंने कि भाई देवता तुम्हें बताना चाहिए था, या तो और कहीं दूसरी जगह रुकाना चाहिए था। बोले महाराज लोगों ने हमसे कहा कि भागवत करा दो, समस्या खत्म हो जाएगी। तो अब पांडाल दूसरी जगह विशाल लगाया था, मैंने कि बताते तो यहीं होना चाहिए, तुम्हारे घर में पारायण होना चाहिए, हवन होना चाहिए, तब तो घर की शुद्धि होगी। हमने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी तुम यहीं पाठ करो, कथा हम पांडाल में कहेंगे। तो आचार्य जी कहेंगे सब चले जाते हैं कथा में, हम रहते हैं घर में अकेले। हमने की चिंता मत करो, होगा कुछ नहीं, तुम तो ईमानदारी से पारायण जरूर करना, गड़बड़ मत करना।
सो अखंड दीपक जला के उन्होंने दिन में पारायण किया और रात में, दिन में कथा होती, रात में जागरण होता, जैसे तैसे गप सप करके हमने रात काटी। वो हमारा पहला अनुभव है जीवन का जिसने हमें रात में सोने नहीं दिया। तब से हमने विश्वास कर लिया कि नहीं नहीं अब इससे ज्यादा हमें अनुभव की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना ही अनुभव पर्याप्त है। तो और यदि जिसको ना हो बिल्कुल अनुभव तो फिर महाराज जी के पास आ जाए, वो अच्छा तरह अनुभव करा भी देंगे। हमको तो पहले ही से अनुभव हो चुका है इसलिए उसकी आवश्यकता हमको तो नहीं है, जिनको हो आवश्यकता वो अनुभव कर सकते हैं। बोलो जय सिया राम। तो तात्पर्य यह है कि भागवत के इन वचनों पर हमें विश्वास हो गया कि गोकर्ण जी को भी डरा दिया महाराज धुंधकारी ने। सकर्ण में सा सकर धस्ती पुनश्च महितो भवत, लिखा है कि कभी ऐसा हो जाता था, कभी भैंसा बन जाता था, कभी भेड़ा बन जाता था, खूब डराया। गोकर्ण जी भी डर गए, गोकर्णो धैर्य संयुता। अंत में गोकर्ण जी ने धैर्य धारण करके जब पूछा तब परिचय दिया कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, जिनके ऊपर मैं सारी संपत्ति लुटाता था उन्होंने ही मार के इसी आंगन में मुझे गाड़ दिया है, मेरा संस्कार भी नहीं हुआ इसीलिए भूत बना भटक रहा हूं, मेरा उद्धार कर दो भैया। गोकर्ण जी बोले मैं तो गया में तुम्हारे लिए श्राद्ध करके आया हूं, और गया में श्राद्ध करने से प्रेतों का उद्धार हो जाता है। धुंधकारी बोला तुम 100 श्राद्ध कर लो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम छोटे मोटे प्रेत नहीं, हम नंबर एक के भूत हैं, ये श्राद्धों से मुक्त होने वाले नहीं, हमारे लिए कोई तगड़ा उपाय करना पड़ेगा। गोकर्ण जी बोले तो ठीक है जरूर करेंगे, पर इस समय तुम यहां से पधारो, हमें तुमसे बड़ा डर लग रहा है भाई। तो धुंधकारी गायब हो गया। रात भर जागरण किया गोकर्ण जी ने, सोचते रहे क्या करूं मैं भैया के लिए। सवेरा होने पर क्षेत्र के विद्वानों से परामर्श लिया पर कोई भी समाधान किसी से नहीं मिला। तब सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्त हेतु कम। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण सूर्य भगवान, आप ही मुझे बताइए मेरे भैया का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान सूर्य नारायण बोले, श्रीमद भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु। अपने भाई को भागवत सप्ताह विधि विधान से सुनाओ, निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की जय। तब गोकर्ण जी ने भव्य आयोजन किया, हजारों श्रोता कथा सुनने के लिए आए, और जैसे ही गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठ के कथा प्रारंभ किए कि धुंधकारी भी आ गया। भूत प्रेतों का शरीर हवा प्रधान होता है, वायु प्रधान होता है, जैसे हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है तो भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, इसलिए किसी के घर में कहीं से भी घुस जाते हैं। अब धुंधकारी कथा कैसे सुने, हवा में उड़ के चला जाता है। तब सात गांठ का पोला बांस दिखाई पड़ा, धुंधकारी उसी पोले बांस में घुस गया, उसी में बैठ के कथा सुनने लगा। कथा समाप्त होते ही तुरंत एक गांठ चटक जाती, बांस बीच में से फट जाता। और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथ विभेदनम, एक एक करके बांस की सातों ग्रंथियां फटती चली गई, और सातवां सप्ताह दिन का जब संपन्न हुआ सातवां दिवस, तो दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, उस बांस में से चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को आज पवित्र कर दिया, और धुंधकारी ने मुक्त कंठ भागवत की महिमा का गान किया। इतने में आकाश मंडल से विमान आ गया, भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उस विमान में बैठा दिया, और जैसे ही चलने लगे गोकर्ण जी बोले सुनो सुनो भाई एक मेरी भी बात सुन लो। कहो। बोले अत्रैव बहव संति श्रोतारो मम निर्मला, आनी तानी विमानानी न तेसां युगपत कुतः। यहां हजारों श्रोता बैठे, यद कथा सुनने से ही कल्याण हुआ तो आप सबके लिए विमान क्यों नहीं लाए, कथा तो सबने सुनी और वही सुनी जो धुंधकारी ने सुनी, तो आपने भेदभाव क्यों किया, पक्षपात क्यों किया श्रोताओं में। तब भगवान के पार्षदों ने कहा भैया
कल्याण की कामना से कथा केवल धुंधकारी सुन रहा था, बाकी तो टाइम पास कर रहे थे। कुछ लोग इसलिए कथा सुन रहे कि बहू के बेटा हो जाए, कुछ इसलिए सुनते हैं कि व्यापार बढ़िया चल जाए, मेरा कल्याण हो जाए इस कामना से तो कथा कोई बिरला ही सुनता है। इसलिए श्रवणम तु कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित, सुनने में अंतर था उसी अंतर से फल में भी अंतर आ गया। ये तो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जो मनोरथ लेके बैठोगे वह पूरा हो जाएगा। बेटा चाहिए बेटा मिलेगा, व्यापार चाहिए व्यापार बढ़ेगा, और कल्याण चाहिए तो कल्याण भी हो जाएगा। पर कल्याण चाहने वाले प्राय होते ही नहीं, संसार की वस्तु जो मांगते हैं वो भागवत भगवान की कृपा से मिल जाती है। अब तो श्रोता उदास हो गए और विमान उड़ के चला गया धुंधकारी को लेकर। गौकर्ण जी ने कहा, आप उदास न होइए, ये दास बैठा है, दोबारा आपको कथा सुनाता हूं। पहली कथा हुई आषाढ़ के महीने में, दूसरी कथा श्रावण मास में की। अब दूसरी कथा में तो ऐसा श्रोता समुदाय उमड़ पड़ा, क्योंकि पहला चमत्कार सब देख चुके थे, दोबारा चूक ना जाए इसलिए सब सावधान होकर के कथा सुने। और जैसे ही सप्ताह कथा दूसरी संपन्न हुई गौकर्ण जी के वाणी से, तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए, साक्षात श्रीहरि ने प्रकट होकर के गौकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की जय। और जैसे अयोध्या वासी राम जी के साथ विमान में बैठ के साकेत धाम गए थे, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गमने निज धाम, उसी प्रकार अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभ। राम जी के साथ जैसे अवधवासी गए, ऐसी सभी श्रोता समुदाय गौकर्ण जी के साथ भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। अब तुम ही बताओ नारद जी, जब धुंधकारी जैसे नंबर एक के भूत प्रेत पापी भी तर सकते हैं, तो छोटे मोटे पापी अपराधी जब तर जाएं, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। बोल भागवत भगवान की जय। कथा श्रवण के नियम और विधि भी बतला दी, कथा कैसे सुननी चाहिए दो मिनट में वो भी सुन लो। सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ किसी विद्वान के द्वारा। बोले आप पहले तो कह रहे थे कभी भी सुन लो, अब कह रहे हो मुहूर्त निकलवाओ। बोले देखो, यदि आपका कोई मनोरथ संसार का नहीं है, केवल भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी आप बिना मुहूर्त के कथा करा सकते हैं। और संसार के मनोरथों की पूर्ति करनी है तो मुहूर्त में ही कथा करानी चाहिए। दूसरी बात, वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। पहली बात, वैराग्य में प्रतिष्ठित वक्ता होना चाहिए। संसार का राग जिसके चित्त में न चढ़ाओ। जो संसार का रागी होगा वो संसार की बातें करके आपका चित्त भी संसार में लगाएगा, इसलिए वैराग्य में प्रतिष्ठित वक्ता होना चाहिए। दूसरी बात, वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। तीसरी बात, विप्र होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र किसे कहते हैं? जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्कारात् द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेत विप्रः त्रिभिर् श्रोत्रियमुच्यते। ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है उसका नाम ब्राह्मण है, फिर जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाता है तब उसका नाम द्विज होता है। द्विज माने जिसका दूसरा जन्म हो गया। और जब वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, शास्त्रज्ञ हो जाता है, तब उसका नाम विप्र पड़ जाता है। विप्र का अर्थ क्या हुआ? विशेषेण प्रपूरयति सकन मनोरथान स विप्रः। जिसकी वाणी के द्वारा जो आशीर्वाद निकले वो तत्काल सिद्ध हो, उसका नाम है विप्र। जो ब्राह्मण गायत्री के उपासना करते हैं,
नित्य त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है, वो जो कह देते हैं वही हो जाता है, चाहे वो साप के रूप में कहें चाहे आशीर्वाद के रूप में कहें। इसलिए जो शास्त्र शास्त्रों में निष्णात और गायत्री के उपासक हैं वो विप्र होते हैं। ऐसे विप्र की वाणी से कथा सुननी चाहिए ताकि उसकी वाणी आपका मंगल करें, आपके सारे अनिष्ट अमंगलों को दूर करें। इसलिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, शास्त्र समृत जिसकी वाणी हो, सदगुरु की कृपा जिसकी वाणी से छलक रही हो, ऐसे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कथा सुननी चाहिए। और जिसकी मति भ्रमित हो, गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, जहां जैसा रंग देखा वहां उसी रंग में रंग गए, कभी आड़े कभी ठाड़े तिलक लगा लिए, तो मनमुखी जो वक्ता हो उससे कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, वो तुम्हारे चित्त को भी भ्रमित कर देगा। एक भरोसा, एक व्रत, एक आस विश्वास, एक निष्ठ होना चाहिए है? भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, जिसको अपना इष्ट बनाया है उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए है? ऐसा नहीं कि कभी बागेश्वर धाम आकर के हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं तो कभी चादर चढ़ाने पहुंच गए, तो कभी टोपी लगा के उनको खुश करने पहुंच गए। अनेक धर्म विभ्रांत स्त्रण्य पाखंड वादिन, यदि ये दोष वक्ता में हो तो त्याजस्ते यदि पंडिता, वो विद्वान भी हो पर दिग्भ्रमित हो तो उसकी वाणी से कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो वक्ता के भी लक्षण बतला दिए, और वक्ता को सोच समझ के विचार करके फिर व्यासपीठ पर बैठाए, और जब व्यासपीठ पर वक्ता बैठ जाए तो शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्व शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानम विनाशय। हे भगवान सुखदेव, आप इस महापुरुष की वाणी से अपने उपदेश के माध्यम से हमारा सारा अज्ञान मिटा दीजिए, क्योंकि आप ही इस रूप में विराजमान होकर के हमारा मंगल करने के लिए पधारे हैं। इसी भावना से व्यासपीठ पर बैठे वक्ता का पूजन अर्चन करें। देखो, मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होते ही हमें परमात्मा दिखने लगते हैं, जब पाषाण की प्रतिमा में परमात्मा प्रकट हो सकते हैं तो चैतन्य प्राणी के हृदय में सुखदेव जी कैसे नहीं प्रकट हो सकते। इसलिए सुखदेव जी की भावना से ही कथा सुने। व्यक्ति तभी तक व्यक्ति है जब तक व्यासपीठ पर नहीं बैठा, व्यासपीठ पर बैठते ही वो व्यक्ति नहीं रह जाता, वो साक्षात व्यासनंदन सुखदेव के रूप में विराजमान हो जाता है, क्योंकि आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा व्यासपीठ पर कर दी। प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही, प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठते ही देश का नेतृत्व का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि नहीं, और जब कुर्सी निकली तो फिर जैसे सब है वैसे वो है। ये कुर्सी का पद का ही तो महत्व होता है, गद्दी की ही तो गरिमा है। ये व्यास गद्दी है, वो राज गद्दी है। भारत में ये दोनों गद्दी हमेशा से चलती रही है। गद्दी पर जिसने शपथ ली तुरंत उसी वक्त उसको वो अधिकार और वो पावर मिल जाता है। उसी प्रकार व्यास गद्दी पर जो विराजमान हो गया उसे व्यास के रूप, देखो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो श्लोक है ये व्यास जी के लिए ही है, व्यास जी, क्योंकि पहले हम लोग राम उसमें पंचांग में लिखा रहता था व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा नहीं लिखते थे, व्यास पूर्णिमा लिखते थे, क्योंकि व्यास जी को ही सदगुरु के रूप में स्वीकार किया था आचार्यों ने, इसलिए वहां पर व्यास पूर्णिमा लिखी रहती थी। परंतु आजकल सब गुरु पूर्णिमा कहने लगे तो अब गुरु पूर्णिमा लिखने भी लग गए कि क्या करें, सब गुरु पूर्णिमा के नाम से ही जानते हैं। परंतु व्यास जी को ही गुरु के रूप में, व्यासो सिस्टम जगत सर्वम, सारे संसार में जो भी कुछ हम लोग कहते सुनते हैं सब व्यास जी की ही वाणी है, इसलिए इसको व्यास गद्दी कहा जाता है। अचतुर वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचन शंभु भगवान वादरायण। ये वादरायण की गद्दी है जिस पर जो बैठ गया। अचतुरो बदनो ब्रह्मा, उसके चार मुख तो नहीं है पर वो एक मुख होते हुए भी ब्रह्मा जी के समान है। उसके चार हाथ तो नहीं है पर दो हाथ होते हुए भी वो चतुर्भुज भगवान नारायण का स्वरूप है। उसके तीसरा नेत्र तो नहीं है पर वो त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के समान है। अचतुर बदनो ब्रह्मा
द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचन शंभु भगवान बादराय। इसलिए इस व्यासपीठ पर जो विराजमान होते हैं वो व्यास जी, जो व्यास जी ही सदगुरु के रूप में हैं, उसी भाव से उनका दर्शन पूजन करने पर उनकी वाणी आपके हृदय को प्रभावित करके आपका अंतःकरण शुद्ध करेगी। कथा के विश्राम में हरि नाम संकीर्तन सबको करना चाहिए, क्योंकि भोजन ज्यादा हो जाए तो थोड़ा हाजमोला की गोली भी चूस लेना चाहिए ताकि पच भी जाए। हरि नाम संकीर्तन हाजमोला का काम करता है, इसलिए जब 3-4 घंटे कथा सुन लो तो जोड़ से हरि नाम संकीर्तन कथा के विश्राम में करके उस कथा को पचा भी लो, भोजन इतना करो ताकि पच भी जाए, तभी फायदा होगा। तो कथा सुन करके इसको पचाओगे तब आपको पूरा फायदा होगा। गाय दिन भर घास चरती है, जब बैठ के ज्वारी करती है तब वो घास पचती है, बिना ज्वारी किए पचेगी नहीं। उसी प्रकार कथा सुनना माने घास काटना, और फिर बैठ के उस पर चिंतन जब करते हैं तब कथा हृदयंगम होती है, पचती है। आज क्या सुना, क्या सीखा, क्या समझा, कथा सुनने के बाद ज्वारी कर, जैसे गाय ज्वारी करती है, ऐसी कथा सुनने के बाद बैठ के चिंतन करो कि क्या क्या हमने सुना और क्या समझा, क्या शिक्षा ली। जब ज्वारी करोगे तब ये कथा आपको पचेगी, हृदयंगम बनेगी। इसलिए सुनकर के समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इसको कहते हैं निधिध्यासन। पर कथा के विश्राम में हरि नाम संकीर्तन की बात सुन के नारद जी बड़े गदगद हो गए। नारद जी तो कीर्तन प्रेमी महात्मा है, तुरंत नारद जी ने वीणा उठाई, छेड़ दिया राग मालकोश, और जैसी वीणा पर मालकोश राग छेड़ा तो तुरंत ताली बजाते हुए प्रकट हो गए प्रहलाद जी महाराज। तो उद्धव जी आ गए मजीरा बजाते हुए, तो तुरंत अर्जुन प्रकट हो गए स्वरों का अलाप भरते हुए, देवराज इंद्र प्रकट हो गए मृदंग बजाते हुए, सनकादिक प्रकट खड़े होकर के जय जयकार की ध्वनि लगाने लगे, भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी प्रकट हो गए जो भागवत के श्लोकों को गुनगुनाने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतया चोद्धव काशधारी वीणाधारी सुररसि स्वर कुशलतया राग करता जोनो भो इंद्रो भावीन मदंग जय जय सुमरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभू। संगीत के 3 अंग होते हैं, गायनम वादनम नृत्यम त्रयः संगीतम उच्यते। गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है, पर नच कोई नहीं रहा था, तो भक्ति मैया अपने दोनों बेटाओं का हाथ पकड़ के खड़ी हो गई और ताता थैया करके भक्ति माने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। ननर्थ मध्ये त्रकमेव तत्र, और जैसे ही गाना बजाना और नाचने के साथ संकीर्तन प्रारंभ हुआ, समस्त संत समझाए भी झूम उठा और सभी ने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कीर्तन प्रारंभ कर दिया। आइए हम और आप भी हरि नाम संकीर्तन के साथ इस महात्मा को आज यहीं विश्राम देंगे और कल 2 बजे से पुनः हम लोग समय पर उपस्थित होकर के कथा के मूल में प्रवेश करेंगे। आइए सब मिलके दोनों हाथ से ताली बजाते हुए प्रेम से मेरे साथ संकीर्तन करें। श्याम राम
साने बारी की जय, मोहन प्यारे की जय, मोर मुकुट वंशी बारे की जय, श्री वागेश्वर धाम की जय, श्री बालाजी हनुमान जी महाराज की जय, श्री सन्यासी बाबा महाराज की जय, आज के आनंद की जय, श्रीमद भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, भूतगुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, बाके बिहारी लाल की, पूज्य महाराज श्री की जय जय श्री राम। आज की प्रथम दिवस की श्रीमद भागवत महापुराण हम आप सभी ने पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से कथा का रसस स्वादन किया। अब आज की मंगलमय आरती में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आरती से पूर्व हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल, जिन्होंने एक पुस्तक का, जिनके द्वारा महाराज जी के कर कर्मों द्वारा विमोचन होना है, पुस्तक डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल जी द्वारा रचित है, मैं सबरी प्रभु श्री राम की। उनसे आग्रह है कि आप आए और पूज्य महाराज श्री और पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा पुस्तक का विमोचन होगा और आरती के लिए हम आमंत्रित करते हैं। आरती के लिए हम आमंत्रित करते हैं अलवर शिष्य मंडल के श्री श्रीकांत जी, आप आ जाएं, बाकी सभी वहीं से आरती करेंगे। और गांधीधाम से आए हैं हरी जी, आप आ जाएं। कल जो कथा का समय है, जैसा कि पूज्य महाराज श्री का आदेश हुआ कि जो कल की कथा है 2 बजे से ही समय से प्रारंभ हो जाएगी। परसों 26 तारीख को यानी कि मंगलवार का दिव्य महादरबार लगेगा और 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। 27 तारीख को और 28 तारीख को सुबह 10 बजे दिव्य दरबार होगा और जो कथा का समय है 2 बजे से ही कथा होगी। 29 तारीख को 2 बजे से ही कथा होगी और 27 और 28 का सुबह 10 बजे से ही कथा पंडाल में दिव्य दरबार होगा। तो दिव्य दरबार में आप सभी पधारे। कथा के भोजन की व्यवस्था सभी के लिए प्रारंभ है, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से भंडारा प्रारंभ हो चुका है, तो भंडारे में आप सभी पहुंचे। और हम आमंत्रित करते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के छोटे अनुज श्री सालग्राम भैया जी से कि आप भी पावन आरती में आए। तो कल समय से आप सभी को 2 बजे पहुंचना है, 2 बजे से कल की कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। और आइए चलते हैं आज की मंगलमय आरती में। पूज्य गुरु भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए, पूज्य गुरु भगवान संत भगवान के चरण में प्रणाम करते हुए आप सभी से आग्रह है कि पावन आरती में आप सभी पधारें। जय जय श्री राम। ॐ ज्वालामालिने नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, उमा चन्द्रमा मनसोदात सक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बाके बिहारी तेरी आरती Oh.
चेतलेकरणं पुष्पे देवाभिवंदनं स्वात्माभिवंदनं आरोग्यार्थे आरारतित्य ग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ जजनेन यज्ञमय जन्तदैवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्दयित्र गौरवे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय बागेश्वर बालाजी महाराज की जय संत वैष्णव भगवान की जय पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्री सभी भक्त पुनः ध्यान देंगे कल कथा का जो समय है निर्धारित जैसा पूज्य महाराज श्री ने आदेश दिया ठीक 2 बजे से कल कथा का सत्र रहेगा इसलिए आप सभी लोग ठीक 2 बजे कथा पंडाल में उपस्थित रहें कल का दिव्य दरबार रात्रि के समय रहेगा रात्रि 8 बजे से तो रात्रि 8 बजे दरबार में भी आप सभी लोग समय से पधारें और दिव्य श्रीमद भागवत की कथा जो प्रारंभ हुई है उसका आप निरंतर लाभ प्राप्त करें सीताराम कल कथा के बाद पूज्य भगवान के हम आप सभी दर्शन करेंगे आशीर्वाद वचन होंगे और सामूहिक अर्जी कल सभी की लगेगी क्योंकि कुलदेव भगवान रात्रि में यात्रा में निकलेंगे कल शाम को पहुंचेंगे कथा के मध्य में ही गुरुदेव